हर 100 वर्ष में 5 अरब 4 अरब व्यक्ति माटी में मिल जाते हैं और नए पैदा हो जाते हैं। जैसे पुराने घड़े फूटते जा रहे हैं, पुराने कुल्लड़ मिट्टी में मिलते जा रहे हैं और नए मिट्टी के कुल्लड़ और घड़े बनते जा रहे हैं। नए बन रहे हैं और पुराने टूट रहे हैं। व्यक्ति पैदा होता है और जब होश संभालता है उसके बाद वो धन कमाने में लग जाता है। कल आपको हमने बताया था कि अंधे ने अंधे की लकड़ी पकड़ रखी। अंधे नहीं बनी अमाना यथांधा। अंधे ने अंधे की लकड़ी पकड़ी और लक्ष्य तक जाना चाहे थे। कुएं में गिरेंगे कहीं जाकर, गड्ढे में गिरेंगे। अज्ञानियों में व्यक्ति पैदा होता और अज्ञानियों का व्यवहार देख करके खुद भी उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि जैसे वातावरण में हम पैदा होते हैं वही कार्य हम किया करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव तन मिला है ईश्वर को पाने के लिए, परमानंद के लिए, अखंड सुख शांति के लिए, लेकिन उसको जानने वाले थोड़े लोग हैं क्या? और भौतिक पदार्थ तुम्हारे छूट जाने वाले, थोड़े दिन के बाद जितना तुमने आज तक कमाया बनाया वो सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और दोबारा पैदा होगे, फिर वही पापड़ बेलना शुरू करोगे। फिर बनाओ बनाओ कमाओ बनाओ कमाओ, और जब खाने का टाइम आएगा बैठकर तो फिर यम के दूत आके बोलेंगे आगे चलो। बनाते जाओ और छोड़ के आगे चलते जाओ। ये मिस्त्री और बेलदार और ठेकेदार ये जिंदगी भर नई कोठियां बनाते हैं और रहने को झोपड़ी मिलती है, ये खुद नहीं रह पाते। बनाएंगे A1 कोठियां, कोठी में कब तक घुसे रहेंगे? जब तक कोठी तैयार है। तैयार हुई फिर दूसरी जगह नींव खोद हो जाएगा, उसको बना के तैयार करो तीसरी बनो, रहने वाले कोई और होंगे। यही संसार का हाल है, प्रत्येक प्राणी का यही हाल है। ये जब से होश संभालता है और जब तक होश गवा नहीं देता तब तक बनाता रहता है, और बनाते बनाते जब रहने का या खाने का टाइम आया तो यम के दूतों ने कहा आगे चलो। मर के आगे जन्म लिया फिर वही शुरू कर दिया, और करते करते जब समय फिर खाने का आया बैठ के फिर यम के दूत आगे चले। तो अनादि काल से अभी तक व्यक्ति यही करता आ रहा है। मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कार खरीदो, कोठी खरीदो, बच्चों को सेट करो, बेटियों को ब्याहो, और उसके बाद मर जाओ, सब छूट गए। अब दोबारा कहीं जाके पैदा हो फिर वही शुरू कर दो। अच्छा, और इसको इतनी सावधानी से पकड़ते हैं लोग क्या छूटने न पाए, जाग रहे। जरा सा नुकसान होगा तो बिगड़ पड़ेंगे, जरा सी हानि होगी तो भजन छोड़ देंगे, राम के लिए काम नहीं छोड़ेंगे, काम के लिए राम छोड़ देंगे। जीवन में ईश्वर जरूरी नहीं है, जरूरी तो कोठी कार मकान दुकान भोग है, और उस तरफ संत सोया हुआ। वो समझता है कि सब कुछ नाशवान है, एक दिन छूट जाने वाला है, इसलिए इसके लिए पागल क्या होना है। पकड़ना उसे है जो कभी छूटे नहीं, जो बार बार छूट रहा है, लाखों बार करोड़ों बार छूट चुका है, ध्यान से सुने बात को, उसे पकड़ना क्या। आप कितनी सावधानी से पकड़े आखिर तो छूट जाना है। अंजलि में पानी आप भरिए ना और कितनी सावधानी से अंगुलियां दबाइए, लेकिन बूंद बूंद करके वो गिर जाना है। अंजलि का पानी 24 घंटे 12 घंटे रह सकता है आपके। जियो अंजलि कर पानी, तुलसीदास जी ने कहा, जिसे तूने सावधानी से संभाला है वो उसी तरह छूट जाएगा जियो अंजलि कर पानी, जैसे अंजलि का पानी बूंद बूंद करके खाली हो जाना।
और जो कभी नहीं छूटने वाला है, जिसे पाकर जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाने वाला है, जहां रोग नहीं, शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, वियोग नहीं, जहां आनंद ही आनंद है, उस आत्मपद को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए तुम सो रहे हो आलस्य और प्रमाद में, गपशप में, क्लब और होटलों में अपना समय खराब कर रहे हो। जिसे पाने के लिए सावधान होना चाहिए उस तरफ से आप सो रहे हो, और जो तुम्हारे हाथ से छूट जाने वाला है उसे सावधानी से पकड़ रहे हो। बोले तुम समझदार नहीं, अभी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम्हारी बुद्धि रजोगुणी है। तमोगुणी बुद्धि होगी तो निद्रा आलस्य प्रमाद में समय बर्बाद कर देगी, रजोगुणी बुद्धि होगी तो अर्थ और काम में मर्गी खराब कर देगी, अर्थ कमाओ और काम का सेवन करो, कमाओ और भोग भोगो, बाल बच्चे पालो, जिंदगी खराब कर देगा रजोगुण। सतोगुण जागृत हो जाए, सत्वगुण की जागृति के बाद ही उस परमात्मा के प्रति सावधान होता है। जगत को पकड़ना है या जगदीश्वर को पकड़ना है? कथा में लोग कह देते हैं जगदीश्वर को पकड़ना है, और घर जाके जगत को ही पकड़े रहता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने किसी व्यक्ति से कहा कि पलक गिरने के आधे टाइम के लिए, पलक गिरने में जितना टाइम लगता है गिरने उठाने में, उससे आधे टाइम के लिए तुम भगवान को छोड़ दो, हम तुम्हें तीन लोक का राज देते। उसने कहा हम लातों से ठुकरा देंगे तीन लोक की संपत्ति, लेकिन आधे निमेश के लिए भी परमात्मा का चिंतन नहीं छोड़े। त्रिभुवन विभव हेतवे प्रकुंठ स्मृति रजितात्म सुरार देवी विमर्ज्ञात न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यः सवैष्णवाग्रह। वो दुनिया का वैष्णवाग्र है, वैष्णवों में अग्रगण है, जो आधे पलक के लिए ईश्वर को नहीं छोड़ता, तीन लोक की संपत्ति छोड़ने को तैयार बैठा होगा। और हम लोग सोचते हैं जब दुकान जाने लायक न रह जाएंगे, दफ्तर जाने लायक नहीं रहेंगे, तब बैठ के भगवान का भजन करेंगे। ये भोले लोग हैं, ये असावधान लोग हैं, अभी इन्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप कि जवानी में भजन कर लें, बुढ़ापे में धन कमा लेंगे? हाँ, जवानी में धन कमा लें, बुढ़ापे में भजन करेंगे, इसकी जगह ऐसा करो जवानी में भजन कर लो और बुढ़ापे में धन कमा लेना। बोले महाराज बुढ़ापे में फिर क्या धन कमाएंगे, धन तो जवानी, तो जब बुढ़ापे में धन नहीं कमा सकोगे तो भजन कैसे कर सकोगे? बुढ़ापा भजन के लिए नहीं है, वो तो चिंता और बीमारियों के लिए है। आंख में तनेगा जाला, वृद्धावस्था में क्या होता है? आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला, वृद्धावस्था आनी में, बैठे बैठे पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, और बैठे बैठे थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रहेगी ना, राम नाम बोलने तेरी बद्ध वाणी में, जप साधन जोग कर, भोग से वियोग कर, राम को मत भूल मत वारे जवानी में। डोंगरे जी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि भाई आप भागवत कथा सुनने आए हैं, गीता सुनने आए हैं, आपके मन में इच्छा हुई कि कुछ फल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दें, तो सड़े फल चढ़ाओगे कि ताजे फल चढ़ाओगे? तो सबने कहा ताजे फल चढ़ाएं। उन्होंने कहा सड़े चढ़ा दो। बोले नहीं महाराज, भगवान के चरणों में सड़े फल थोड़े चढ़ाए जाते हैं, भगवान के चरणों में तो
तो उन्होंने कहा भाई जवानी ताजा फल है और बुढ़ापा सड़ा फल है, फिर अपनी जवानी भगवान के चरणों में चढ़ाओ, भगवान का चिंतन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम ताजा फल तो परिवार को दे रहे हो और बुढ़ापा सड़ा फल भगवान के नाम से छोड़ रहे हो, और ये भी पता नहीं कि बुढ़ापा मिलेगा या नहीं मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी तो नहीं है कि आपको बुढ़ापा मिलना ही है भाई किसी के पास सर्टिफिकेट? बीमा करने वाले ये बीमा तो कर देंगे कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को 5 लाख 10 लाख जितने का बीमा तुमने कराया हम दे देंगे। ऐसा कोई बीमा होता है देश में या विदेश में? हाँ, मृत्यु की कोई गारंटी नहीं, कोई जीवन की कोई गारंटी नहीं, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं, वो कभी भी आके उठा के ले जा सकते हैं। आज आपका जो शरीर मिला है वो पूर्व जन्म के धन के आधार पर है, मकान कोठी कार के आधार पर है, या भजन के आधार पर, दान पुण्य के आधार, क्या मानेंगे आप? ये तो आपने जो पूर्व जन्म में कुछ भजन पूजन पाठ किया उसका फल है कि आज आपको अच्छे परिवार में जन्म मिला, अच्छी बुद्धि मिल गई, शरीर अच्छा मिल गया। ये पूर्व जन्म के धन का फल नहीं है, ये भजन का फल है। शिव पुराण का श्लोक आप अनेक बार सुन चुके हैं, पूर्व जन्मनि च यद् दत्तम्, पूर्व जन्मनि च यद् दत्तम् शिव मुद्दिश्य वा पुनः तदेव लभ्यते नान्यत् विष्णु मुद्दिश्य वैशुतो। बहुत अच्छा श्लोक उपमन्यु के प्रसंग में है। उपमन्यु की माँ बहुत गरीब, पिता गरीब, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। उपमन्यु अपने साथियों को दूध पीते देखते हैं, दौड़े दौड़े आए, माँ मैं भी दूध पीऊंगा। माँ ने पानी में आटा घोल करके दे दी, पीने लगे, बोले माँ ये दूध नहीं है, तू बरगला रही है, माँ हमें दूध पिला दे। माँ रो पड़ी, बोले बेटा पेट के लिए रोटी तो है नहीं घर में, दूध कहां से लाऊं तेरे लिए। उपमन्यु ने कहा माँ हमारे साथियों के घर में तो सब कुछ है, हमारे घर क्यों नहीं, हम ऐसी दीनहीन स्थिति में क्यों है? तब उपमन्यु की माँ ने कहा पूर्व जन्मनि च यद् दत्तम्, बेटा पहले जन्म में हमने दिया है भगवान शंकर के नाम से या भगवान विष्णु के नाम से, तदेव लभ्यते, वही जीव को प्राप्त होता है, नान्य और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो हमने जो पहले जन्म में धन कमाया, कार कोठियां खरीदी, उसके बदले तन मिला है, बुद्धि मिली, ऐसा नहीं। पहले जन्म में जो हमने शुभ कर्म किया उसके बदले में आज हमको अच्छा शरीर मिला, सुख सुविधाएं मिली। तो इस समय हमको सावधान होकर परमात्मा का ही विशेष चिंतन करना चाहिए। कबीर दास जी का एक दोहा है, वो भावुक होकर कहते हैं कि संसार सुखी है मैं दुखी। अरे शास्त्र तो कहते हैं भजन करने वाला सुखी, भोगी दुखी, और आप कहते हो संसार सुखी मैं दुखी, कैसे? बोले सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है जो खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। दुनिया खा पी के मौज से सो रही है, लेकिन मैं रात भर बैठा बैठा रोता रहता हूं, हे मेरे परमात्मा कब कृपा करोगे, कब मुझे दर्शन दोगे? वो कब समय आएगा जब मैं आपका दर्शन कर सकूंगा, इस जीवन को सफल बना सकूंगा? यदि आपको पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास है तो आप भजन कभी छोड़ नहीं सकते हैं, और पुनर्जन्म में संशय है तो बढ़िया भजन आप कर नहीं सकते हैं, बस ये समझ लीजिए, ठीक है? इसीलिए इस श्लोक में ये बात कही गई, या निशा सर्वभूतानां
परमात्मा का चिंतन ये रात्रि के समान है अज्ञानी उस तरफ से सोए हुए। सा यानशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति। लेकिन जो संयमी लोग हैं साधक हैं वो उस तरफ बराबर सावधान रह करके जाग रहे माने बराबर परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। और ईश्याम जागृति भूतानी पत्नी पुत्र परिवार मकान दुकान के लिए संसारी लोग जाग रहे हैं सावधान हो करके ये करना है ये करना है ये रह गया वो हो गया इतना और होना है नहीं एकदम सावधान। जरा सिर दर्द है बोले आज पूजा नहीं करनी आज सत्संग में नहीं जाना क्यों बोले सिर दर्द हो और दफ्तर में बोले वहां तो जाने जाना है वर्षा हो रही है बोले आज सत्संग में नहीं जाना और नौकरी पर जाने मतलब ये है कि अज्ञानियों के लिए परमात्मा रात्रि के समान संसारी लोग उस तरफ से सो रहे हैं और संयमी उस ओर जाग रहे हैं और अज्ञानी जहां जाग रहे हैं वहां संयमी सो रहा है। उसका पुत्र बीमार है उसे चिंता नहीं है उसकी पत्नी बीमार है उसकी चिंता नहीं है कुछ नुकसान हो रहा है वो ज्यादा चिंता नहीं करता वो ये देख रहा है कि सत्संग कहाँ हो रहा है कथा कहाँ चल रही है ध्यान कैसे कर रहे हैं। एक भगत जी बड़े भावुक थे भगवान का भजन किया करते थे बहुत कोई साधु ब्राह्मण मिल जाए बुला लाते थे आओ महाराज भोजन करो। पत्नी थोड़ा नास्तिक टाइप की थी वो बड़ी झुंझलाती थी जब किसी को ले आते थे ना भगत जी बड़ी झुंझलाती थी रोटी वोटी दे दे लेकिन प्रसन्न मन से नहीं देती थी झुंझला के। सुनो जरा एक दिन क्या हुआ कि एक भगत जी को ले आए पतिदेव और दामान भी आ गया दूसरे दिन दामान और भगत तो कुड़कुड़ा तो रही थी। जब दामान आया बड़ी खुशी क्या किया उसने संगले बनाई बाजरे की रोटी और दामान के लिए हलवा और पूड़ी और बढ़िया सब्जियां और दो थाली सजाई। सुन रहे हो ध्यान से दो थालियां और पति के हाथ में दी ये संत को और ये दामान के पास। भगत जी ने क्या किया भैया हाथ बदल लिए वो बाजरे की रोटियां रख दी दामान के सामने और हलवा पूड़ी रख दिया संत के सामने। जब देखा उसने करो उल्टा हो गया क्या किया पति ने। जब पति लौटे तो बड़े गुस्से में कहती है कि तुमने तो मेरी उन्होंने कहा देवी यहां कट जाए कोई बात नहीं ऊपर ना कटने पाए नहीं तो तेरी यहां मेरी वहां कटी। कहते ये क्या किया मेरे भगत को बाजरे की रोटियां और संसारियों के लिए हलवा पूड़ी देख देवी वहां की बचानी यहां तो थोड़े दिन रहना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। जिसको उस सुप्रीम पावर पर विश्वास है अनंत अखंड चेतन पर जिसे विश्वास है पूर्ण ब्रह्म की सत्ता पर जो विश्वास करता है वो यहां से ज्यादा वहां को मानता है। संसार में हमारा बिगड़ जाए तो ज्यादा हानि नहीं है पर ऊपर बिगड़ गया भजन बिगड़ गया तो बहुत बड़ी हानि। एतावता जागो भगवान कृष्ण कहते हैं सोने वालों जागो। जो पदार्थ छूटने वाले हैं उनके पीछे न दौड़ो जो सदा साथ देने वाला है उसे पकड़ने की कोशिश करो। ईश्वर का निरंतर चिंतन करना ये जागना है और परिवार की ओर निरंतर दौड़ते रहना ये अज्ञान अवस्था है। अज्ञान अवस्था अगले श्लोक में भगवान कहते हैं
आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति मापनोति न काम कामी। पार्थ, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, पार्थ चारों ओर से परिपूर्ण भरा हुआ समुद्र ना? भरा हुआ, उसे जल की अपेक्षा नहीं, वो तो जल बांटता रहता है, मानसून के माध्यम से दुनिया को देता रहता है, फिर भी सारी की सारी नदियां अपना जल समुद्र को देती हैं। और जब समुद्र में नदियां अपना जल लेके आती हैं तो समुद्र में बाढ़ नहीं आती, और नदियों का जल कम हो जाए ना तो समुद्र में कमी नजर नहीं आती। कितना सुंदर उदाहरण। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास ज्यादा भोग आए नहीं, तुम वाह वाह नहीं करो, और भोगों की कमी हो जाए तो हाय हाय नहीं करना। अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को समुद्र बनाओ, समुद्र, इच्छा मत रखो भोगों की, पदार्थों की। उसके बाद आ रहे हैं क्या, तो उनको किसी राग द्वेष के बिना अपने अंदर ऐसे समा लो जैसे नदियों के जल को समुद्र अपने में समा लेता है। बाढ़ नहीं आती, वाह वाह नहीं करता, शोर नहीं मचाओ। आ गए पदार्थ, भोग आ गए, ठीक, और अब नहीं आ रहे तो फिर हाय हाय मत करो। जो आ गया वो ठीक है, जो चला गया वो ठीक है। बड़े लोग जो होते हैं महाराज, वो बड़े गंभीर होते हैं, वो सोचते हैं हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो न चाहने पर भी हमारे पास आएगा, और जो आ रहा है वो हमारा स्थायी साथी नहीं है। इसलिए आ गया ठीक है, अच्छी बात, नहीं आया कोई बात नहीं, भजन तो हो ही रहा है। पेट के लिए रोटी और तन के लिए कपड़ा तो वो देगा देगा, उसमें कमी तो रखते नहीं ना। आपने पहले भी सुना क्या कि रोटी और कपड़े की कमी ना पहले थी ना आज है ना आगे होगी। रोटी और कपड़े की कमी ना पहले थी ना आज है ना आगे होगी। इच्छाओं की पूर्ति ना पहले हुई ना आज हो रही है और ना ही क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है, कह सकता है कि मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके मेरी समग्र इच्छाएं पूर्ण हो गई? ये भी कहा जाता है कि रावण की करोड़ों वर्ष की आयु थी क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, जब तक अमृत नहीं सूखेगा रावण मर नहीं सकता। और जब रावण मरने लगा तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ लक्ष्मण कुछ राजनीति रावण से समझ लो। लगनलाल जी ने जाकर के प्रश्न किया, राजनीति विषय थोड़ा बहुत जो था बताया। लक्ष्मण ने पूछा, बोलो अब जा रहे हो, कोई इच्छाएं तुम्हारी, इच्छाएं सारी पूर्ण हो गई कि नहीं? करोड़ों वर्ष जिए, तीनों लोकों पर शासन किया। उसने कहा तीन इच्छाएं अधूरी लेके जा रहा हूं। रावण कहता है तीन इच्छाएं अधूरी हैं मेरी। थोड़े से साधन, और आप सोचते हैं कि हम सारी इच्छाएं पूरी करके तब भजन करेंगे या मरेंगे, क्या ये संभव है? इसलिए अपनी इच्छाओं को आप सीमित कीजिए, निर्मूल कर दें तो बहुत अच्छी बात। किसी भी वस्तु की इच्छा रखने ही नहीं, जो आता जाए उसको समुद्र की तरह समाते जाओ, नदियों के जल की तरह, और जो ना है ये सोचना चीज हमारे प्रारब्ध में नहीं, बात खत्म। तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। अंतिम लाइन देख लो आप, तद्वद् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति ना काम
काम है, जो काम कामी है, जो काम की कामना करता है उसको काम कामी कहते हैं, जो भोगों की इच्छा रखता है, जो पदार्थों की इच्छा करता है, उसको आज तक शांति ना मिली है और ना आगे मिलेगी। शांति किसे मिलती है? बोले जिसके अंदर सारे पदार्थ आके लीन हो जाते, इच्छा वो रखता नहीं, जो आ जाए उसको बिना हर्ष शोक के ग्रहण कर लेता है। शांति मापनोती न काम कामी। आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो आप भगवान के शब्दों पर ध्यान दें। प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन शांति का फार्मूला क्या है उसे अपनाना नहीं चाहता। क्या हर व्यक्ति पुण्य का फल सुख चाहता है, पुण्य को नहीं चाहता, पाप का फल व्यक्ति नहीं चाहता, राग बाप करता है। पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप करता है, पुण्य का फल चाहता है पुण्य नहीं करता, पुण्य नहीं करेगा। व्यक्ति शांति चाहता है लेकिन उसका फार्मूला नहीं अपनाएगा, अशांति नहीं चाहता पर कार्य वही कर रहा है जिससे अशांति बढ़ती। बात पर ध्यान दें आप, शांति का फार्मूला क्या है? यहां भगवान कहते हैं शांति मापन होती, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। न काम कामी, जिसके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं और वासनाएं हैं, उसे पदार्थ मिल जाएंगे, शांति नहीं मिल सकती। और जिसके मन में काम की कामना ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उसे पदार्थ भले ना मिले पर शांति मिले। आपको पदार्थ चाहिए कि शांति चाहिए? आपको डनलप का गद्दा चाहिए कि नींद? डनलप का गद्दा चाहिए पर नींद ना आए तो? पदार्थ चाहिए शांति ना मिले तो? पदार्थ का महत्व क्या रहेगा? उस डनलप के गद्दे से चटाई अच्छी जहां नींद बढ़िया आ जाए, उन पदार्थों से गरीबी अच्छी जहां खाके व्यक्ति निश्चिंत होकर सो जाए। शांति किसको मिलती है? क्या दुखों का अंत कब होता है? शास्त्रों पर थोड़ा विचार तो करो। श्वेतासतरोपनिषद का एक मंत्र है, यदा चर्म बदा कासम बेष्ट इष्यन्ति मानवः तदा देवम अभिज्ञायो दुखश्यांतो भविष्यति। जीव तू अपने दुखों का अंत देखना चाहता है, तू सुखी होना चाहता है, तू शांति चाहता है, तो सुन ले, परमात्मा को पाए बिना, परमात्मा को जाने बिना शांति कब मिलेगी? बोले इस आकाश को चमड़े की तरह लपेट के बगल में जब तू दबा लेगा तब शायद ईश्वर को पाए बिना तुझे शांति मिल जाए। एक तो निराकार पदार्थ को लपेटे ही नहीं जा सकता, फिर इतना अनंत आकाश एक छोटा जीव पूरा कैसे लपेटेगा इसको? यदा चर्म वदा काशम, यदा चर्म वदा काशम, मृग चर्म को लपेटते हैं ना भाई, तो यदा चर्म वदा काशम वेष्टिष्यन्ति मानवा, जब ये मनुष्य आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेगा तदा देवम अभिज्ञायो, तब हो सकता है कि ईश्वर को जाने बिना इसको शांति मिल जाए, इसके दुखों का अंत हो जाए। हम सुन तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी दौड़ संसार की ओर है। ईश्वर को प्राप्त करना, तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, गरीब की दृष्टि में धनवान सुखी है, और धनवानों से पूछो तो राजा सुखी है, नहीं? धनवान
लोग करोड़ों रुपया देते हैं फंड के नाम से, हमें टिकट दे दो एमएलए की एमपी की, लोग करोड़ों रुपया ले। गरीब की दृष्टि में धनवान सुखी और धनवान की दृष्टि में नेता मंत्री सुखी, और नेता और मंत्रियों की दृष्टि में छत्रपति सम्राट सुखी नहीं? क्योंकि एक देश के राजा बनेंगे तो दूसरे लोग हमला कर सकते हैं, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट से पूछो तो वो कहता है कि मनुष्यों के सम्राट बनने में सुख नहीं है, यहां भी जरा और मृत्यु का भय तो है ही है, इंद्र बनो तो पूरे। चलो इंद्र के पास जाके पूछा कि आप तो पूर्ण सुखी हैं। इंद्र ने कहा तप करने वाले को देख के भय रहता है सिंहासन न छीन ले, दैत्यों से भलगा रहता है सिंहासन न छीन ले, ये भी निर्भय पद नहीं है, ब्रह्मा बन जाओ तब पूर्ण सुखी हो। चलो ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव आप तो बहुत सुखी हैं। उन्होंने कहा हिसाब किताब लगाते लगाते क्या सारा दिन कर्मों का लेखा जोखा, फिर उसके आधार पर शरीर का निर्माण, तंग है भैया पर, फिर कौन सुखी है? बोले भगवान विष्णु सबसे ज्यादा सुखी है। तुलसी राशि के शब्द हैं, सुनो। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी है। चतुरानन माने ब्रह्मा चार मुख वाले, इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तो तुल्य जान विचार कहे सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, और हरि का नाम जपे सोई सुखिया। जब तक आप काम कामी हैं, जब तक आपके मन में कुछ पाने की कामना है, तब तक आप शांति से कोसों दूर हो। ये शांति नहीं कहलाती चार दिन के लिए थोड़ा सा कुछ मिल मिला गया, यूं तो शराबी शराब पी के भी शांति का अनुभव कर लेता है दो चार घंटे, पिक्चर देखने वाले दो तीन घंटे टीवी देख के भी आनंद का अनुभव कर लेते, पर ये सब की सब परिच्छिन्न है, टुकड़े टुकड़े हैं, क्षणिक है। स्थाई आनंद प्राप्त करने के लिए, स्थाई शांति प्राप्त करने के लिए कामनाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। महाराज बेटे का काम और हो जाए फिर हम निश्चिंत, सारी दुनिया यही कह रही है। क्या आप कोई नई बात कह रहे हैं? दुनिया में जितने आज तक पैदा हुए वो मरते मरते यही कहते रहे बस ये काम पूरा हो जाए फिर अपन शांति से भजन सत्संग करेंगे, बस ये काम हो जाए फिर अपन मौज करें, और वो करते करते वो तो काम निपटा नहीं, खुद ही निपट जाते। देखिए कितना सुंदर दृष्टांत है। किसान हर वर्ष खेत जोतता है और सारा घास निकाल के बाहर फेंक देता है, साफ सुथरा खेत, फिर उसमें अनाज होता है, आप भी बो ही रहे हैं, पर जब दूसरा वर्ष आता है तो साफ सुथरा मिलता है, उतना ही कचरा फिर होता है। करोड़ों वर्षों से खेत जोते जा रहे हैं, घास निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, पर आज तक खेत बिना घास का हुआ कोई? बोलो शास्त्रकार क्या कहते हैं, जैसे करोड़ों वर्षों से जोते जाने पर भी खेत में हर वर्ष नई घास पैदा होती रहती है, इसी तरह आप जिंदगी भर समस्याओं से जूझते रहोगे
कोई ना कोई काम अधूरा आपका बना ही रहेगा। ये काम और हो जाए, ये काम और हो जाए, ये और हो जाए, बस करते करते छुट्टी हो जाएगी। ये जो देवताओं को दुर्लभ मानव शरीर जो करोड़ों वर्ष बाद मिला, ये आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका में, मन पछताई है अवसर बीतते, मन पछताई है अवसर बीते। सुर दुर्लभ, ये जो शरीर है ना मनुष्य का, ये देवताओं को दुर्लभ है भैया। स्वर्ग में बैठे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब स्वर्ग से गिराया जाए और कुछ दिया जाए या नहीं, पर एक बार मनुष्य तन हमें जरूर दिला दिया जाए, एक चांस और दे दीजिएगा, ताकि हम भजन करके ऊपर वाले को पा। सुर दुर्लभ, उसमें भी इंद्र कहते हैं कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य ही बनना होगा या निर्मल बुद्धि आपको जुलेगी, नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता। नर तन सम नहीं कबहु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। आगे क्या लिखा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथानि गाव। सुर दुर्लभ, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है, सुर दुर्लभ, और आज मिल गए, और ये बातों बातों में बीत गए। भाई पशु बने, पक्षी बने, तो वहां भी पति पत्नी का जोड़ा तो होता ही है, बच्चे भी वहां होते हैं, खाने को भी वहां मिलेगा, सोने को वहां मिलेगा, बाकी सारी चीजें तो हर शरीर में मिलेगी, लेकिन परमात्मा का चिंतन केवल मनुष्य शरीर में ही हो पाएगा। केवल मानव तन से ही साधना हो सकती है, और मानव तम हम लोग परिवार में व्यतीत कर रहे हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, फिर भजन करेंगे। जो काम कामी है, जिसके मन में काम की कामना भरी पड़ी हुई है, जिसके अंदर अनंत इच्छाएं हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती। नित्यो नित्यानाम, उपनिषद का वचन है भाई, ध्यान से सुने, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मष्ठम यो अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शाश्वती शांति नित्यरेश। जैसे दो और दो चार, इसे कोई काट नहीं सकता, अकाट्य, दो और दो चार। वेद भगवान घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम, जो समग्र नित्यों का नित्य है, जो समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, जो एक होता हुआ सबकी कामनाएं पूर्ण कर रहा है, उस परमात्मा को जो हृदय देख लेगा, उसको अखंड शांति मिलेगी। इतरे शाम प्राणिनाम ना, दूसरों को वो शांति कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। अब ये दो दो चार की तरह अकाट्य, पर हम अपने परिवार और इष्ट मित्रों की बातों पर जितना ध्यान देते हैं, उतना शास्त्र की बातों पर ध्यान नहीं देते, और यही हमारी अशांति का कारण। जब तक तुम अपने हृदय में परमात्मा को नहीं देख लोगे, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। तेषां शाश्वती शांति के साथ विशेषण है, शाश्वत शांति, अखंड अनंत शांति। भाई मान लिया जाए, आज आपके पास अरब रुपया है, कोठी है, कार है, अच्छे शहर में आप रह रहे हैं, नौकर चाकर, खाना पीना, आप कहते हो बहुत सुखी है, ठीक है ना, लेकिन कितने दिन के लिए, ये बताओ कितने वर्षों के लिए। काल तो अनंत है, काल का कोई अंत नहीं, और जीवन आपका 60-70-80 वर्षों का है। तुलसीदास जी एक बड़ा अच्छा दोहा लिखते हैं, सुनिए जरा, अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज,
और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौन एकास। आपके पास अरबों खरबों रुपया है और सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक राज्य है, अरब खरब लो दरब है और उदय अस्त लो राज। और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। हमारे पास अरबों खरबों रुपया है, उदय से अस्त का राज्य है और हमको मर जाना है, हमारे कौन से काम आए। लेकिन हम सारी जिंदगी पैसों में गुजार रहे हैं, गवा रहे हैं ना। रहीमन काहू भातिते गांठ में आवे दाम और काम दाम की लगन में भूल गए घनश्याम। ये बड़ा अच्छा दोहा है, रहीमन काहू भातिते गांठ में आवे दाम और काम दाम की लगन में भूल गए घनश्याम। तो जहां हमें जागना चाहिए था वहां हम सो रहे हैं और जिस तरफ हमें सोना चाहिए था उस तरफ हम जाग रहे हैं और कामनाओं के पीछे पागल होकर दौड़ रहे हैं और जरा जरा सी बात में दुखी या सुखी हो रहे हैं। चार पैसे ज्यादा मिल गए तो वाह वाह करने लगे, जरा अपमान हो गया या पैसे कहीं नुकसान हो गया तो मायूस होकर के पड़े। ऐसा व्यक्ति शांति नहीं पा सकेगा। सशांति मापनोति न काम कामी। अर्जुन उस व्यक्ति को शांति मिलती है जो कामनाओं से रहित हो जाता है, जो कामनाओं से रहित है उसे शांति मिल जाए। इसलिए कामनाओं का त्याग करो। अगले श्लोक में भगवान और सुंदर बात कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वा उमाश्चरति निष्प्रिय। यही श्लोक है ना भाई। और निर्ममो निरहंकार शा शांति मधि। आपको शांति चाहिए ना, और कुछ चाहिए? शांति है तो सुख है, और सब कुछ है और शांति नहीं। तो बड़े बड़े शहरों में कथाओं में जाते हैं, संपन्न लोग अपने घरों बुलाएंगे, खूब सेवा करते हैं और जब चलने लगेंगे तो क्या कहते हैं, स्वामी जी भगवान का दिया सब कुछ है पर घर में शांति नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है पर शांति नहीं। भोले लोग, पदार्थों में शांति नहीं है, पदार्थ अलग वस्तु है और शांति अलग वस्तु। हमने पदार्थों में शांति मान ली है हमारा अज्ञान, क्योंकि अगर पदार्थों में ही शांति होती तो जो लंगोटी वाले हैं साधना कर रहे हैं उनको सी कभी ना मिलती, पर जो उनसे पूछो तो वो कहते हैं शांति 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 आनंद आनंद आनंद। यही तो हुआ, यदु जी जब शिकार खेलकर लौटे, यदु राजा थे, जब वो लौटे वापस तो देखा एक महात्मा पड़ा हुआ, उनका नाम था दत्तात्रेय। क्या नाम था? उनमें केवल कौपीन एक लंगोटी थी मात्र, बस कमंडल, वो जमीन में पड़े हुए थे। ऐसा भव्य चेहरा उनका, जैसे कमल का फूल होता है, वाणी में मानो अमृत घोल दिया है परमात्मा ने, शरीर में शांति ऐसी गंभीरता। यदु उतरे, प्रणाम किया, बैठो राजन बैठो, सुनाओ क्या हाल महाराज, बड़ी अशांति है। स्वामी जी आपका क्या है? मौज है मौज मौज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मौज स्वामी जी, मेरा समाधान आप कर रहे तो बहुत अच्छा है। क्या आपके पास शांति का कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा?
ना बिस्तर है ना पलंग है, नहीं आजकल तो महाराज लाख लाख रुपए के पलंग खरीदे दिए, और क्या गद्दे बिछते हैं और क्या बिस्तर लगते हैं, नहीं? और सबसे बढ़िया सजावट तो वहां होती है स्नान गृह क्या। अच्छा तुमने अपने घर को बहुत बढ़िया सजाया, डेकोरेशन किया, सब ठीक है, उन्होंने कुछ शांति दी आपको? शांति मिल गई आपको? वो दो दिन चार दिन महीने दो महीने चार महीने अच्छे लगेंगे, फिर आम बात हो जाएगी आपकी। कोई भी नई वस्तु जब मिलती है तो थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, और उसके बाद वो फिर खास वस्तु नहीं रह जाती, वो आम वस्तु हो जाती। हम गांव में रहते थे, कच्चे मकान, अपनी बात आपको सुना रहे, वो गोबर और मिट्टी से पोछा लगता था। जब गांव से शहर में आए और सीमेंट का फर्श देखा तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लोग बड़े मजे से रहते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया इनके साल। चलो वो कुछ दिन के बाद मकान खरीदा, थोड़े दिन तो अच्छा लगा, फिर गए तो किसी को चिप्स का मकान देख गया, फर्श चिप्स होगा, अरे भाई तो उससे भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, चलो वैसे बनवा दिए। तब तक दिल ही आ गया कि हम मार्बल के देखे, तो उससे बढ़िया ये लग रहा। जब मार्वल वाले भी हुए तो कहीं इटाली ने पत्थर दिखाई दे गया, अरे बोले ये तो वो तो ये बढ़िया है, अब वो लगा लो। लगा कुछ भी लो, कर कुछ भी लो, चार दिन अच्छे लगेंगे, फिर वो खास बात नहीं रहेगी, वो आम बात हो जाए दुनिया। अच्छा भाई, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे पर विश्वास करो। आपका घर देखने वालों को जितना बढ़िया आपका घर लगता है, आपको उतना बढ़िया नहीं लगता क्या? क्योंकि आप अपने घर से बढ़िया घर देख आए हैं, कहीं ना कहीं लगता है वैसा होना चाहिए था। नहीं समझे आप बात? ये संसार भगवान की माया है, और माया शक्ति क्या करती है, ये आगे सुख दिखाती है, और उस प्रलोभन में जीव दौड़ता है। सुख है नहीं, ये दिखाती है। जैसे सोने का मृग आया ना सीता जी के सामने, तो वो सोने का था नहीं, वो सोने का दिख रहा था। माया मृग पांचे सो धावा, वो मृग है माया का, अंदर है वो राक्षस, ऊपर से दिख रहा है स्वर्ण मृग। और जब बाण मारा राम जी ने, राक्षस हाथ लगा। रेगिस्तान में, राजस्थान में आप लोग तो आते जाते हो ना, वहां जब रेत में सूरज की किरणें पड़ती हैं दोपहर के टाइम, तो भरा हुआ तालाब दिखता है जल से,
और थोड़ी हवा चल जाए तो तरंगे भी दिखती। अब प्यासा मृग ये समझकर के सामने जल है वो तेजी से दौड़ता है, और जितनी तेजी से दौड़ता जाता है वो तालाब और उतनी तेजी से आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। प्यास बढ़ती जा रही है, थकान हो रही है, अब मिला और दौड़ते दौड़ते अंत में गिरा, छटपटाया और खत्म हो गया। कि कुमार जल तो है ही नहीं, वो केवल सूरज की किरणों में एक चमत्कार है, रेत में पड़ने से जल का आभास हो गया। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में अखंड शांति तो है ही नहीं, अखंड सुख तो है ही नहीं, केवल दिखता है कि इस पदार्थ में शांति है, इस पदार्थ में शांति है, बस वो पदार्थों के पीछे दौड़ते 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 शरीर छूट जाता है और व्यक्ति उस मूल से वंचित हो जाता है। मन पछताई है अवसर बीते, सुर दुर्लभ तन पाय, सुर दुर्लभ तन पाय, हरि पद भज कर्म बचन और हीते, नहीं तो मन पछताई है अवसर। परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं महाराज हमसे, इनकी भी तो सेटिंग कर दें, व्यवस्था कर दें, पर भजन तो करना ही। आपका मन बड़ा चालाक है, जब आप भजन की बात करोगे ना तो वो कहता है बस ये थोड़े काम और निपटा लो फिर भजन तो करना ही, ये थोड़ा और निपटा लो फिर भजन तो। एक सज्जन कथा सुन के वैरागी हुए, वैराग चढ़ा, हमसे बोले महाराज सन 86 में 86 ये 80 की बात थी, 86 में हम घर छोड़ करके आपके आश्रम में आकर रहे 6 वर्ष। बोले बेटे पढ़ रहे हैं, जरा पढ़ जाएं, अपने पैरों खड़े हो जाएं, दुकान संभाल लें, फिर हम आश्रम में आकर रहेंगे। जब 86 आया तो हमने कहा कि अब क्या हाल है, बेटे अपने पैरों खड़े हो गए, अब चल के रहो। बोले बेटे अपने पैरों खड़े हो गए स्वामी जी, और हमारे पैर जवाब दे गए, अब हम आश्रम में रहने लायक नहीं रह गए। असर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरों में घुटनों में दर्द हो गया है कि आपके आश्रम में जाके बोझ बनेंगे, भजन होने वाला नहीं। हर व्यक्ति का मन व्यक्ति को समझाता है, बड़ा चतुर है ये मन, जब देखता है ये भजन की बात सोचता है एकदम आके कहता बस ये काम थोड़ा सा निपटा लो, भजन तो करना ही है अपने को। और अपन मन की बात मान लेते हैं बिना नुनच के, और उसमें अंत में फिर पछताना पड़ता है। मन पछताई है अवसर बीते, सुर दुर्लभ तन पाय, हरि पद भज कर्म बचन अरु हिते। परिवार बोले सुत परिवार जान स्वार्थ रथ, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये तुलसीदास जी के शब्द है। सुत परिवार जान स्वार्थ रथ, कर्ण नेह सब हीते, अंतह तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अरे मन पछताई है अवसर बीते, अवसर जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख में सुख माने क्या दारा क्या मीत, अंत समय कोई साथ न जाए एह जगत की रीत, नानक सोई भव पार तरें जे गावे प्रभु के गी। जगत में झूठी देखी सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ मीत
सकल जग महाभारत मीत अपने हूँ प्रभु परमारथ नाही अपने हूँ प्रभु बाप ने बेटे को 2 करोड़ रुपया फैक्ट्री आप कमाओ खाओ फैक्ट्री मैंने लगा के दिया ना आपको दे दिया ना आपने इसलिए हम संभाल रहे हैं आप भजन करो जाके हरिद्वार बैठ ये मत सोचो कि मेरा बेटा मेरा है मेरी पत्नी मेरी है कि मेरा पति मेरा है कश्य की पति पुत्राद्या मोह एव ही कारण शास्त्र का केवल मोह के कारण ही हम सबको अपना मान रहे हैं या अपना कुछ नहीं है जैसे सपना टूटने के बाद सपने के पदार्थ मिथ्या इसी तरह शरीर छूटने के बाद सब जहां के तहां बिखर जाएंगे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे माता कहे ये पुत्र हमारा और बहन कहे वीर मेरा और भाई कहे ये भुजा हमारी तो नारी कहे नर मेरा रे नर मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा जरा सी ठोकर लगी हेलमेट नहीं था ना स्कूटर से जरा से ठोकर लगी गए अब क्या हुआ बोले पेट पकड़ के माता रोए और बांह पकड़ के भाई और लपट झपट के तिरिया रोवे पर हंस अकेला जाई जब लग जीवे माता रोए बहन रोए खटमासा रे और 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर करे घर बासा रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे 4 गजी 4 गजी मंगाया और चढ़ा काठ की घोड़ी शादी में घोड़ी पर चढ़े थे अब काठ की घोड़ी वो चिता जो बनती है ना 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी और चारों कोने आग लगा दिया फूंक दियो जस होरी हाड़ जरे जस लाकड़ी हाड़ दे जस लाकड़ी और केस जरे जस घास रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता सोने जैसी काया जर गई नहीं सोने जैसी काया कितना साबुन लगाया इस काया कितना क्रीम पाउडर पोता कितना स्प्रे छिड़का इसके ऊपर कैसे बाल संभाले डाई करा करा करके सफेदी ना नजर आए लेकिन जब चिता में रखे गए तो हाड़ जरे जस लाकड़ी और केस जरे जस घासा सोने जैसी काया जरी गई लेकिन को ना आयो पासा सोने जैसी काया जरी गई को ना आयो पासा कहत कबीर सुनो भाई साधो छाड़ो जग की आशा रे मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे यहाँ कोई परमानेंट नाता नहीं है हमने प्रारंभ में कह दिया कि अंजलि में पानी कितने संभाल के रखोगे तो तुम्हारी पकड़ से बाहर हो जाए संसार के किसी भी पदार्थ को तुम से पकड़ो एक ना एक दिन वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए जब अपने बचपन अपने हाथ से निकल गया अपनी जवान अपने हाथ से निकल गई क्या तो पदार्थ अपने कैसे हाथ में रहेंगे वो तो निकलने वाले हैं इसलिए अगर तुम शांति चाहते हो तो काम कामी बन के नहीं जीना कामनाओं का त्याग करके जियो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी सशांति मापनोती ना काम काम एक भी कामना तुम्हारे अंदर है तो वो तुम्हें अशांत बनाए रहे एक भी काम हमने कहा था कि समुद्र पार करना है नौका में जा रहे एक छेद है तब भी नौका डूब जाएगी ज्यादा है तो जल्दी डूबेगी और एक है तो
थोड़ा देर से डूबेगी पर डूब जाएगी। एक कामना भी खतरनाक है, एक इंद्री का भी आउट ऑफ कंट्रोल होना खतरनाक, दस इंद्रियों में। इसलिए दसों इंद्रियों को बस में करना है भगवान कृष्ण कहते हैं, और मन में कोई भी कामना नहीं रखनी। अच्छा, अपनी इच्छा से वस्तु मिल जाती है, कामना करने से वस्तु मिलती है, बोले आप लोग? फिर कामना करके समय क्यों खराब करते? मिलना वही है जो हमारे प्रारब्ध में। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी काम के लिए वर्षों लटके रहते नहीं होते, और कभी कभी देखते हैं बड़े बड़े काम मिनटों में हो जाते। इसका क्या मतलब? बस वही कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो अनायास हो जाएगा, और जो नहीं है लगे रहोगे। तो इसका मतलब खाट में पड़े रहे? बोले नहीं। फिर क्या करें? समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, परमात्मा का चिंतन करो, परिवार के लिए कुछ कर लिया, अब उसके बाद शरीर है, समाज के लिए कुछ करो। बिना किए मन नहीं मानता तो, और नहीं तो माजी में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, सब छोड़ के भजन में डूब जाओ। बिना कर्म किए मन नहीं मानता तो देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, दीनहीन गरीबों की सेवा करो, परिवार की समस्याओं से हटकर। परिवार की समस्याएं बांधती। स्वामी रामतीर्थ ऋषिकेश में ठहरे हुए थे, नाम आप लोग जानते होंगे स्वामी रामतीर्थ जी। वो अपने दोनों बच्चों को और पत्नी को छोड़कर आए थे, ये भी सुना है आप, बाजार में छोड़ के आए। एक सरदार जी उनकी सम रहते थे, रामतीर्थ जी, सैकड़ों हजारों लोग दर्शन के लिए आते जाते, उठते बैठते बात करते चले जाते। पत्नी को पता लगा तो उसके किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, बेचारी जेवर बेच करके दोनों बच्चों को लेकर दर्शन करने आई। रामतीर्थ जी की पत्नी बच्चों को साथ लेके दर्शन करने आई, बाहर बैठी थी। सरदार जी ने देखा, आए रामतीर्थ जी से बोले कि वो पूर्वाश्रम की पत्नी पुत्र आपसे मिलने आए। रामतीर्थ हो यहां पड़ा हो तो उठा के दे दो और बोलो जाए, यहां सब ठीक। तो सरदार जी बड़े दुखी हो गए, उन्होंने कहा कि दुनिया आ जा रही है उनके लिए आपके दरवाजे खुले हैं, और पत्नी और बच्चे आ गए तो आप क्या रहोगे? दे दवा के वहीं से मिला। उन्होंने कहा सरदार जी, दुनिया के लोगों के साथ अपना अटैचमेंट न था न है, लेकिन परिवार के प्रति अपनापन था। हो सकता है अंदर उसके संस्कार हो और देखते फिर जाग पड़े, क्या समझे? इसलिए उनको वहीं से सरदार जी ने कहा यह नहीं हो सकता, और अगर वो लौटेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक लाए, और जैसे ही वो आए पास में, पापा पापा कह के वो बेटे दोनों गले लग गए। बच्चे तो बच्चे थे, पत्नी के भी मोटे मोटे आंसू। चलो थोड़ी देर के बाद विदा कर दिया। अब एक हफ्ते तक राम तीर्थ का ध्यान नहीं लगा। ईश्वर में जो ध्यान लगना था वो, तो सरदार जी ने पूछा क्या हाल है? बोले तुम्हारी बात मानने का परिणाम है, और क्या हाल है? वो वहीं से चले जाते तो शायद उतना होता, वो जो गले लगे और वो मोटे आंसू जो देखे, वो जो अंदर भाव छुपा था वो सामने। मतलब ये कि बंधन तो परिवार की आसक्ति है, अगर परिवार की ममता और आसक्ति नहीं रह जाए बात खत्म हो जाती है। अंतिम श्लोक देखिए बहुत काम का है, 71वां श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिया। निष्प्रिया का मतलब क्या होता? किसी भी प्रकार की इच्छा न करना। और निर्ममो निरहंकार। अहंकार का मतलब है अहंता, और निर्मम का अर्थ है ममता। तो अहंता और ममता का त्याग करके किसी प्रकार की भी इच्छा न रखते हुए जो निवृत्ति मार्गी लोग, निवृत्ति मार्ग में चलने वाले रहते हैं, उनको अखंड शांति प्राप्त होती है। सशांति मधिगच्छति, इस श्लोक में भी शांति की बात कही गई।
विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार। ना तो अहंता हो ना ममता हो। महाराज एक निरोही राजा थे, ना उनमें अहंकार था ना मोह था, इसलिए उनका नाम ही था निर्मोही। राजा का नाम क्या था? निर्मोही। उनके पत्नी थी, पुत्र था, पुत्र की शादी हुई थी। नहीं समझा? अभी थोड़े समझ। राज्य है, महल है, सब कुछ है, लेकिन नाम है उनका निर्मोही। एक बार राजकुमार शिकार खेलने गए, सुनिए, वापिस लौटे, सूर्यास्त हो गया, कहीं भटक गए थे, अभी नगर दूर था। एक महात्मा की झोपड़ी नजर आई, उन्होंने कहा स्वामी जी रात्रि विश्राम करना चाहते हैं आश्रम में, आप नगर दूर है, रास्ता बीहड़ है, प्रातःकाल हम चले जाए। महात्मा ने कहा हम आपको अपने आश्रम में नहीं रखेंगे। क्यों? आपके साथ अटैचमेंट ना हो जाए हमारा कहीं, आपसे मोह ना हो जाए, आपसे प्यार ना हो जाए, इसलिए हम आपसे अलग रहें, आप अपनी जगह जाके ठहर जाए, यहां नहीं रहें। राजकुमार हंस पड़ा। जो हंसने का कारण, उन्होंने कहा स्वामी जी आपने सन्यास लिया, एकांत में आप रह रहे हैं, मुझे एक रात रखने में आप डरते हैं, लेकिन मेरे पिता मुझे पैदा किया, पाला पढ़ाया, मेरी शादी की, अभी थोड़े दिन हुआ शादी हुई, पर मैं आज यहां मर जाऊं और आप जाके सुनाओ मेरे पिता पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनका नाम है निर्मोही। उनके अंदर अटैचमेंट नहीं किसी से, वो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है, ना उनके अंदर अहंता है और ना ममता। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार बच्चे पैदा किए जाएं और बच्चों के साथ अटैचमेंट ना हो। उन्होंने कहा महाराज आप परीक्षा ले लीजिए, देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाए। ठीक है राजकुमार यहीं रुको, मैं तुम्हारे पिता की परीक्षा लेता। रात विश्राम किया, प्रातः कहा महात्मा चले वहां से, राजकुमार को वहीं रोक दिया, जब तक मैं लौट कर ना हूं आपको यहीं रहे। ठीक, गए। सबसे पहले एक दासी मिली और दासी से महात्मा ने कहा चेरी तेरा स्वामी मारा गया, राजकुमार मारा गया, शेर ने खा लिया, लाश मेरे आश्रम में पड़ी है। उसने कहा नाम है चेरी श्याम की। क्या? मैं किसी की दासी नहीं, कोई मेरा स्वामी नहीं, यहां तो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा में ही हम लोग विचरने वाले हैं, आने वाले आते हैं और जाने वाले जाते हैं, यहां आने का कोई हर्ष नहीं और जाने का कोई शोक। महात्मा ने सोचा दासी है, कोई अटैचमेंट नहीं होगा, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो पत्नी मिल गई, राजकुमार की पत्नी मिली, तो बड़े मायूस से होकर महात्मा बोले बेटी बेटी बड़े दुख की बात है। क्या हुआ स्वामी जी? तेरी मांग का सिंदूर चल गया, तेरे सिर का छत्र गया, तेरा सुहाग चला गया, अभी अभी तेरी शादी हुई है, तेरे पति को शेर ने खाया, मेरे आश्रम में लाश पड़ी हुई है। बेटी जवानी में विधवा हो जाना, इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है? अब वो पत्नी क्या जवाब दे रही है राजकुमारी? वो कहती है तपसी पूरब जन्म के क्या जाने हैं लोग, और प्रारब्ध धन बस मेल भयो अभिविध कीन वियोग। स्वामी हम तो पहले जन्म के तपस्वी हैं, हमारे आपस में कभी कोई इच्छा जागृत हो गई अंतस्काल में, इसलिए हमको मनुष्य बनना पड़ा, पति बने मैं उनकी पत्नी बन गई,
प्रारब्ध समाप्त हुआ, वो गए तो थोड़े दिन बाद मुझे भी जाना है, शरीर छोड़ना है। तो सराय हैं, यहाँ तो लोग आते और जाते रहते हैं। आत्मा तो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी तो मृत्यु होती नहीं। शरीर का वियोग हुआ, थोड़े दिन में ये शरीर भी छूटेगा, हम भी वहीं। अरे महात्मा सोचा वाह रे भाई, ये क्या सुन रहा हूं। चलो हो सकता है कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि शादी के बाद पति से नहीं मन मिलता, पर माँ की तो ममता होती है। माँ को सुनो, जा पहुंचे राजमाता जी, क्या बात है स्वामी जी, बड़े दुख की बात है, आपकी गोद सूनी हो गई, महाराज के उत्तराधिकारी समाप्त हो गए, राजकुमार को शेर ने खा लिया, मेरे आश्रम में लाश पड़ी है, भगवान कृपा करें किसी माँ के सामने उसके पुत्र की मृत्यु ना हो। और जवान माँ ने सुना, माँ भी कहती है स्वामी जी, एक वृक्ष डाली घनी, ये माँ के उत्तर है भाई सुनो, एक वृक्ष डाली घनी, पंची बैठे आए भोर भयो, सूरज उगे उड़ उड़ चहुदिशी। देखो सायंकाल चारों तरफ से पक्षी आके एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं स्वामी जी, और जहां रात बीती प्रातःकाल हुआ सूरज निकले, अपनी अपनी दिशा में उड़के चले जाते हैं। ये परिवार तो एक वृक्ष के समान है, अपना अपना प्रारब्ध लेके लोग आकर के बेटे पोते धोते बन करके रहते हैं, और जिसका प्रारब्ध समाप्त होता जाता है वो चलता जाता है। रोने से क्या बनेगा, आत्मा तो नित्य तत्व है, सच्चिदानंद व्यापक चेतन तत्व एक है। जो हुआ ठीक, अब वो माता के पास, अब महाराज के पास पहुंचे, ये बात ध्यान देना। महात्मा राजा के पास पहुंचे, अंत पहुंचते ही आंखों में आंसू भर लिए महात्मा ने, महाराज आपका उत्तराधिकारी छिन गया, इस राज्य को कौन संभालेगा, आपका इकलौता पुत्र राजकुमार शेर के द्वारा मारा गया, उसकी लाश हमारे आश्रम में पड़ी है। राजा ने कहा बड़े दुख की बात है। चलो इसको तो दुख हुआ, बोले हाँ महाराज दुख की बात तो है ही है, एक ही पुत्र जवान और वो सप्त हो, पिता के लिए तो दुख की बात, इतना बड़ा राज। उन्होंने कहा अरे भाई महात्मन, पुत्र की मृत्यु के लिए दुख की बात नहीं है, दुख किसी और चीज का है। किस बात का, बोले एक मच्छर के मरने का समाचार देने के लिए भजन छोड़ के आप यहां तक आए, इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि महात्मा होकर के आप दुखी हो रहे हो। अरे तपसी तप क्यों छाड़या, तपसी तप क्यों छाड़या, यहां तनक नहीं शोक, बासा जगत सराय सब सभी मुसाफिर लोग। ये तो धर्मशाला है, आने जाने वाले मुसाफिर हैं, आते हैं, जिनकी ट्रेन आती जाती है वो चलते जाते हैं, जिनकी आने वाली होती है वो आते जाते हैं, प्लेटफार्म खाली रहता है, ट्रेन आई गए, दूसरी आने वाली है लोग फिर आ गए। तो जैसे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसी तरह से पुत्र आया अपना भोग भोग के प्रारब्ध क्षीण होते चला गया, अब उसमें रोने से बनेगा क्या, रोने का मतलब क्या है। महात्मा ने कहा राजन मैं जंगल में रह करके अपने को इतना ही संभाल सका, आप सिंहासन पर बैठे इतने ही ज्ञानी हो गए, आपके अंदर ममता मोह नहीं, कारण क्या है। बोले मैं गीता का नित्य स्वाध्याय किया करता हूँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मैं गीता का नित्य स्वाध्याय करता हूँ, सत्संग करता हूँ, मेरी बुद्धि ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आत्मा नित्य तत्व है, शरीर नाशवान है, अपना अपना भोग पूरा होते लोग आगे चलते जाते हैं। निर्ममो निरहंकार, मैं और मेरा,
इसी का नाम मोह है और यही सबसे बड़ा बंधन है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर कुछ दिन के लिए मेरा बन गया। जैसे प्लेन की सीट है वो आपकी नहीं है, वो तो बंबई के लिए 2 घंटे के लिए आपकी है, कलकत्ते के लिए भी 2 ही घंटे हैं, नहीं उसको तो मेरी कहने वाले सैकड़ों उठ बैठ के और उठ के चले गए, नहीं आप भी कहते हो मेरी है और 2 घंटे बाद तो दूसरा जो बैठेगा। और कभी कभी झगड़ते भी हैं लोग, नहीं साहब हम तो इसी सीट पर बैठेंगे, हमारी तो यही कन्फर्म। अरे भाई हमको बाहर का दृश्य देखना है थोड़ा, हमको वहां बैठ, ना ना ये सीट हमारी है, हम कैसे बैठने देंगे, हमारी है। एक संत बड़ी सुंदर बात विनोद की सुना रहे थे, बोले हम एक बार ट्रेन में चढ़े, सीट रिजर्व नहीं थी, जाना जरूरी था तो चढ़ गए। एक सज्जन सीट पर पैर फैलाए लेटे हुए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा हमें जगह थोड़ी सी दे दो। बोले हमने रिजर्व कराई है, सीट हमारी है, नहीं बैठने। ठीक है भैया नहीं बैठने दो, हम खड़े लेंगे। जब उनकी स्टेशन आने लगी हम खड़े रहे घंटे दो घंटे, तो हमसे क्या बोले, बोले स्वामी जी आप हमारी सीट पर बैठ जाओ, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई अपनी सीट साथ लेते जाओ, हम तुम्हारी सीट पर नहीं बैठेंगे, तुम अपनी सीट साथ लेते जाओ, तुम्हारे बाप की है ना, लग गया है। अरे हमारी सीट पर बैठ जाओ, जब तक तुम्हारी थी तब तक तुमने बैठने नहीं दिया, क्या जाने? और अब कह रहे हमारी सीट पर बैठ जाओ, ये क्या एहसान है तुम्हारा, तुम जाओ बैठेंगे, बोला हमें बैठना ही है। मतलब कहने का है कि व्यक्ति थोड़े समय के नाते को परमानेंट जैसा मान करके जगड़ के बैठ जाता, मेरी मेरी मेरी, ये सीट किसकी है, तो सरकारी सीट है, कितने लोग इसमें बैठे उठे और गए, उसमें आसक्ति किस बात की। ये सार भी एक सराय है, एक धर्मशाला है, यहाँ तो लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, जहाँ संयोग है वहां वियोग है, जहाँ लाभ है वहां हानि है, जहाँ जीवन है वहां मरण है, जहाँ दिन है वहां रात, एक दूसरे जुड़े। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो प्रकृति जन्य है, इसमें 25 तत्व है, 25 में 24 तत्व है प्रकृति के माया के, 1 तत्व है ईश्वर का। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ तो बात समझ में आए ना। ये ब्रह्मांड काफी बड़ा दिख रहा है आप, 5 तत्वों से बनता है, ठीक है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 है, ठीक है। अच्छा इनसे थोड़ा थोड़ा सा लेकर के शरीर बना दिया गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित अति अधम शरीरा, 5 रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तत्वों से शरीर बन, ठीक है। और उन्हीं 5 तत्वों से 10 इंद्रियां पैदा हो गई जो अंदर है, और 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 महाभूत 10 इंद्री 5 विषय, कितने हो गए भाई गिनो, 20, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अब कितने हो गए, 24। ये सारा का सारा मटेरियल प्रकृति से आया हुआ, माया से आया हुआ। अब इसमें 1 तत्व है चेतन जीव, वो समष्टि जो चेतन है तत्व, उससे आया हुआ। 24 तत्व प्रकृति से, 1 तत्व चेतन। तो तुम प्रकृति के नहीं हो, प्रकृति तुम्हारी नहीं है, शरीर तुम नहीं हो, शरीर तो नहीं है तुम, तो उसके शरीर, ये मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति का है, माया का है, इसका अंश लेकर के ये पुतला खड़ा हुआ, और इस पुतले में आत्मा इसलिए प्रवेशी कि इससे साधन करके उसे प्राप्त कर लेंगे। भाई एक व्यक्ति ने पंचों की धर्मशाला ली कि बेटी की शादी करनी, पंचों ने दया करके धर्मशाला दे दी, वो भला आदमी उसमें बैठा, बहुत बढ़िया बनाई गई थी धर्मशाला मार्बल, वो बेटी की शादी करना तो भूल गया, बहाना ही था, मालिक बन के बैठ गया, नहीं किराया देता,
उन्हें खाली करता। पंचों ने देखा ना इसने बेटी की शादी की, ना किराया दे रहा और ना खाली कर रहा। पुलिस वालों को बुलाया, डंडे मार के बाहर निकाल ले। पंचों की धर्मशाला तुम्हारी नहीं है, अगर तुम अपनी मानते हो तो मूर्खता है, ठीक है। इसी शरीर भी पंचों की धर्मशाला है। पांच मिलके जिसको बनाया उनको पंच कहते हैं ना भाई, तो शरीर को कितनों ने मिलके बनाया, हाँ गिनो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कितने हो गए? पंचों ने मिलके ये धर्मशाला बना दी। और तुमने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें कुछ दिन के लिए शरीर दे दो भगवान, हम भजन करके आपको प्राप्त कर लें, हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से छूट जाए। भगवान ने दया की और धर्मशाला दे दी। अब तुम भजन करना तो भूल गए और धर्मशाला को अपनी बना के बैठ गए, मालिक बन गए। शरीर को तुमने आत्मा मानना शुरू कर दिया, तो फिर यम के दूत पुलिस वाले आके डंडे मार के निकाल के अलग करेंगे, नहीं करेंगे? आप मैं और मेरा, ये दोनों बंधन के हेतु। यहां भगवान कृष्ण कहते हैं निर्ममो निरहंकारा, मैं नहीं किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी मेरे है वो धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, मेरा ये माया की सबसे बड़ी गांठ है। जिस दिन शरीर के प्रति मैंपना आपका निकल जाएगा, अब परिवार के प्रति मेरापन खत्म हो जाएगा, उसी दिन आपको शांति मिल जाएगी। और शांति मिली और सुख मिला और बुद्धि निर्मल हुई और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। 71वें श्लोक में भगवान ने कहा कामनाओं का त्याग करके किसी प्रकार की इच्छा न रखता हुआ, स्प्रेहा माने इच्छा, ममता और अहंकार से रहित होकर के जो विचरता है वही शांति प्राप्त करता है। अर्जुन इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, माने वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर गया जीते जी। ब्राह्मी स्थिति है जीते जी जिसके जीवन से अहंता और ममता निकल गई, इच्छाएं और कामनाएं समाप्त हो गई, वो नर नहीं रहा, नर के रूप में नारायण हो गया। उदाहरण से बात आप समझ लें, आसानी से समझ में आ जाएगी। संतोष कहती है उदाहरण से बात एकदम स्पष्ट होती है। जोर से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई भी पत्थर की शिला है नहीं, वो एक शिला के रूप में दिखती है। उसमें भगवान को देखना है तो अनावश्यक पत्थर काट के निकालो। एक पत्थर की शिला है उसमें आप राम को देखना चाहते हैं तो कारीगर क्या करेगा, अनावश्यक पत्थर को छांट के निकाल देगा तो बाकी क्या रहेगा, राम। कृष्ण को देखना है तो अनावश्यक पत्थर काट दो, क्या देखेंगे। तो शंकर को देखना, माने यूं पत्थर की शिला है पर उस शिला में अगर भगवान को देखना है
तो जो अनावश्यक पत्थर है उसको छांट के अलग कर, शेष भगवान रहे। ये हमारा आपका जीवन भी एक शिला के समान है, इसमें काम क्रोध लोभ अहंता और ममता रूपी अनावश्यक पत्थर जुड़ गए हैं, इसलिए हम एक इंसान बन डोल रहे हैं। यदि हम अपने अंदर के इस अनावश्यक दोषों को बाहर निकाल दें तो हम शेष क्या रहेंगे, केवल भगवान ही शेष रह जाएंगे। काम क्रोध लोभ अहंता और ममता के निकलने के बाद आप नर नहीं रहोगे, नर के रूप में नारायण हो जाओ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति माने ब्रह्म को प्राप्त हुआ जीव, नैनाम प्राप्त विमुहियते, इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा मोह नहीं होता। अंश्याम अंताले, जीवन में आप कुछ भी रहे और मृत्यु काल में भी अगर स्थिति आ जाए आपकी एक मिनट के लिए, जब श्वास निकलने लगे ना उस समय भी आपके मन में आ जाए कि शरीर मैं नहीं, परिवार मेरा नहीं, मुझ में अब कोई कामना नहीं। लेकिन माली ये सोचता है पेड़ मेरे नहीं है, ये मेरे मालिक के हैं, इसमें लगने वाले पुष्प, इसमें लगने वाले फल मेरे नहीं है, ये मेरे मालिक के हैं। बड़ा सुंदर शब्द है, ध्यान रखिएगा, आप अपने परिवार के माली बनकर रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, अब परिवार के मालिक बन के जिएंगे तो सदा टेंशन और तनाव में जिएंगे, सदा अशांत और दुखी रहेंगे। आप परिवार के नहीं हो, आप परिवार के माली हो। जे माली पेड़ पौधों को खाद पानी देता है, इसी तरह आप भी अपने परिवार के सदस्यों को खाद्य और पानी दे रहे हो, ठीक है। पेड़ में फल फूल लग रहे हैं वो सब मालिक के लिए। अच्छा मान लिया जाए एक बहुत सुंदर आम का फल लगा और पका, माली ने उस पेड़ की बड़ी सेवा की और मालिक आल के तोड़ कर ले जाता है, माली रोता है क्या, दुखी होता है, बल्कि खुश होता है। क्या सोचकर कि देखो मालिक आए बढ़िया फल समझ के ले गए, मेरी सेवा सफल हो। एक हिंदू किसी पठान के यहां गया कर्जा लेने के लिए, पठान ने हिंदू को कर्जा दिया, ध्यान दें जरा, उसने गुत्थी में चांदी के रुपए भरकर दे दिए, हिंदू ने लिया। इतने में सामने से एक लाश जाती हुई नजर आई, चार के कांधे पर जा रहा है, कुछ लोग साथ में हैं। हिंदू ने पूछा ये कौन है, बोले नगर सेठ का लड़का, मर गया। बोले मर गया, देख ही रहे हो ले जा रहे हैं। बोले कोई रो नहीं रहा है, जवान बेटा मरा है और कोई रो नहीं रहा। बोले क्यों, रोने का क्या मतलब। बोले हमारे यहां तो कोई मरता है तो वर्षों क्या जिंदगी भर रोते रहते हैं। पठान ने कहा जरा वो गुत्थी दिखाना मेरे को, जो रुपए दिए थे ना गुत्थी दिखाना, दिखाई। उसने बापी बोले जाओ तुमको हम कर्जा नहीं देंगे, क्यों क्या गलती हो गई मेरे से, तुम कहते हो कि वो मरा है तो उसके परिवार के रोते क्यों नहीं, वो बच्चा ईश्वर का है कि व्यक्ति का है, हाँ? बच्चे को बनाया किसने, माता का गर्भाशय किसने बनाया, पिता के अंदर जीवाणु किसने पैदा किए, गर्भ में अंगों का निर्माण किसने किया, उसके जीवन को सुरक्षित किसने रखा, और पैदा होने के बाद उसको जीने के लिए आग पानी हवा कौन दे रहा है, तो भगवान भगवान, तो बच्चा किसका हुआ, भगवान का। तो भगवान अपनी चीज वापस ले गए तो रोने की क्या जरूरत है। जब तुम्हारे यहां मरने पर लोग रोते हैं, भगवान की वस्तु भगवान को लौटाने में रोते हैं, तो हमारे रुपए लौटाने में भी तुम रोओगे, इसलिए तुम जाओ तुम्हें हम कर्जा नहीं देते। भगवान की वस्तु भगवान को लौटाने में तुम रोते क्यों, तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को बनाया किसने, ईश्वर ने बनाया है,
ईश्वर जो बनाता है वो उसका मालिक है, हम तो माली हैं। मालिक ने फार्म हाउस बनाया है, इतना रुपया लगाया है, माली लगा दिया भाई पेड़ पौधों की सेवा करो। माली अपनी तनख्वाह लेता है, पेड़ पौधों की सेवा करता है, पेड़ों में जो फल फूल लगते हैं मालिक उसको ले खा रहा है। माली नहीं खाता, और अगर खाता है तो बेईमान है, वो तो उतना ही खाएगा जितना मालिक दे देगा। तो भाई ये तुम ले जाओ, ये तुम्हारी तनख्वाह है और ये फल ले लो, एक पशु ठीक है। लेकिन अनधिकार चेष्टा अगर करता है तो वो बेईमान। ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। आनंदाध्येव खल इमानि भूतानि जायन्ते, वेद भगवान कहते हैं आनंदाध्येव खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम पर्यन्त्य विविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उसको जानने की कोशिश करो जिससे ये संसार पैदा हुआ, जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है, और जहां जाके ये संसार लीन होगा उसको जानो। वो कौन है? बोले तद ब्रह्म, वो ईश्वर है। ईश्वर से बना हुआ संसार व्यक्ति का हुआ कि ईश्वर का हुआ? जब ईश्वर का है तो फिर आपका अटैचमेंट क्यों है उसके साथ? आप व्यवहार करो, सेवा करो, मेरा है ये भाव छोड़ दो। क्या समझा? आपकी आया आपके बच्चे को संभाल रही है, आपसे ज्यादा वो संभालती है, मलमूत्र वो उठा रही है, कपड़े वो पहना रही है, सारा दिन संभालती है, लेकिन अपना मान के कि मालकिन का मान के? क्या उत्तर है आपका? वो सेवा आपसे ज्यादा करती है, लेकिन बच्चा मेरा है ये भाव नहीं रखती, बच्चा तो मालिक का है। वो कभी भी मुझे नौकरी से हटा देंगे, मुझे जाना होगा। वो सेवा करती है, अटैचमेंट नहीं रखती है। अटैचमेंट उसका अपने बच्चों से होता है। बुद्धि लगाइए थोड़ा। इसी तरह यदि आप भी अपने को यह मान लें कि मालिक परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं, ये सब कुछ भगवान ने संभालने के लिए दिया हुआ है, हम सेवा इनकी खूब करें लेकिन इनको अपना नहीं माने। यस्तिन्द्रियाणि मनसा निम्यारभते अर्जुनो कर्मेन्द्रिय कर्म योगम अशक्तासा विशिष्यते। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करें और अनाशक्त होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म करते रहें, ऐसे योगी से कर्म न करने वाला नीचे दर्जे में है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला कर्म न करने वालों से कहीं श्रेष्ठ है। कौन से शास्त्र मना करते हैं कर्म करने के लिए? हाँ, आठवां श्लोक देखिए, वो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। कर्म जो करना है वो नियत, मतलब जो तुम्हारे लिए निश्चित है, जो शुभ कर्म है वो तुम्हें करना है। अपने व्यापार में बेईमानी ना करना, ग्राहक को धोखा न देना, और अपनी जाति के आधार पर कर्म करना, वो कर्म कर्म नहीं है, वो भगवान की पूजा है। वो कर्म कर्म नहीं है, वो धर्म है। नियतम, नियत शब्द है, नियत शब्द का अर्थ शास्त्र विहित। शास्त्र विहित का मतलब शास्त्र ने आपको जिस कर्म की आज्ञा दे, ब्राह्मण पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे काय, दान ले और दे। अब ब्राह्मण ने जूतों की दुकान रख ली तो ये कर्म हो गया कि कुकर्म हो गया? ब्राह्मण के लिए जो कर्म निश्चित है वो करे, क्षत्रिय के लिए जो कर्म निश्चित है वो करे, वैश्य के लिए जो कर्म निश्चित है वो करे। अपना कर्म करना क्या समझ? पतिव्रता नारी के लिए दूसरे का पति अगर सुंदर भी है किसी काम का नहीं, और अपना पति कुरूप भी है तो वो भगवान क्या है? अपनी पत्नी कुरूप है तो भी वो अपनी है, और दूसरे की सुंदरी है तो वो हमारे लिए मां बहन बेटी के समान है।
नियतम, नियतम का मतलब शास्त्र ने जो तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया वो नियत करना। कर्म करना मना नहीं है, ये पलायनवादी दृष्टिकोण गीता का नहीं है, ये बात अच्छी तरह आप समझ लें, किसी भी ग्रंथ का नहीं। योग वासिष्ठ भगवान राम को सुनाया महर्षि वशिष्ठ ने और ये कह दिया कि जंगल की गुफा में जाके बैठ जाऊं, बोलो नहीं कहा, कर्म करो, संभल के कर्म करो। जैसे हमने पहले आपको बताया कि तंदूर से रोटी निकालनी है तो देव समझदार महिला हाथ में कपड़ा लपेट के निकाल लेती है, ठीक है। अगर कोई बर्तन उठाना है आग के ऊपर से तो संसी के द्वारा उसको या कपड़े से पकड़ के उठा लो, नहीं उठाओगे जल जाओगे, जलने से तुम्हें कष्ट होगा। तुम जलने से बचो और काम करो, तुम परिवार की सेवा करो लेकिन परिवार को ईश्वर का मान के करो, अपना मान कर नहीं करो, क्योंकि वो तुम्हारा अपना नहीं है, तुमने अपना मान रखा है, कहा जाए फिर क्यों करें। इसलिए कि ईश्वर ने हमको आज्ञा दी है, ईश्वर ने हमारे ऊपर ये भार सौंपा है, उसे हमें करना है। मिलिट्री का एक नियम होता है, ऑफिसर ने जो कह दिया सोल्जर को एस करना है, नो नहीं कर सकता, और अगर नो करेगा तो गोली मार देंगे। ऑफिसर ने कहा यह करना है, आग में कूदना है, कूदना पड़ेगा, प्लेन से कूद जाओ, कूदना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर बात किसी ने हमको सुनाई थी कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो एक पायलट पाकिस्तान का रडार नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा प्लेन से, और ऑफिसर ने आदेश दिया कि वापस आ जाओ, वो नहीं आया और वो रडार पर उसने गिरा दिया प्लेन, उनका रडार नष्ट हुआ लेकिन उसको वीर चक्र नहीं मिला। उसने राष्ट्र हित के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, उनका रडार नष्ट कर दिया लेकिन फिर भी उसको वीर चक्र से सम्मानित नहीं किया। क्यों? बोले अगर आज ऐसा करते हैं तो कल दूसरे लोग भी अपने ऑफिसर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और कभी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्या ऑफिसर की आज्ञा आज्ञा है, वो जो कहते हैं, जैसे पहले हमने आप सुनाया कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, रामायण में लिखा है परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोक सब साखी, लेकिन पितु आज्ञा आघ अजस न भयो। यद्यपि परशुराम ने अपनी मां और भाइयों की हत्या की लेकिन उनको नरक नहीं मिला, उनका अपयश नहीं हुआ। क्या क्यों? उन्होंने अपनी इच्छा से भाइयों की हत्या नहीं की, अपनी इच्छा से मां को नहीं मारा, उनका संकल्प था कि पिता जो कहेंगे मैं वो करूंगा। क्या समझे? आप ईश्वर को सुप्रीम पावर मानकर, अपना लक्ष्य मानकर, ध्येय गेय मानकर, वो जैसा कहते हैं आप वैसा करते जाओ, आपका कर्म भी भगवान की पूजा है, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप घबराते क्यों? कर्म बंधन का हेतु नहीं है, कर्म फल की इच्छा आसक्ति और ममता यही बंधन के हेतु कारण। यह भगवान ने इस अध्याय में विस्तार से सुनाया। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः पार्थ, कर्म न करने की अपेक्षा शास्त्र विहित कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे दकर्मणः, जो कर्म नहीं करते हैं उनकी तो का जीवन निर्वाह होना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, यज्ञार्था कर्मणो नियत्र, परमात्मा को छोड़कर जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन के हेतु होते हैं। जो परमात्मा की आज्ञा मानकर या परमात्मा के लिए कर्म किए जाते हैं वो बंधन के हेतु न होकर जीव को बंधन से मुक्त करने वाले।
उदाहरण से समझिए ना बात को। नंगे पैर आप घूम रहे थे फारों में, कांटा चुभ गया, कष्ट दे रहा है, वहीं से आपने दूसरा कांटा तोड़ा और बैठे चुभा रहे हो वहां, क्या वो कांटा क्या करेगा? बोले कष्ट देने वाले कांटे को भी निकाल देगा। पहले जो कांटा चुभा वो असावधानी से चुभा, और अब जो आप कांटा चुभा रहे हैं वो सावधानी से चुभा रहे हैं। तो कंट के न कंट को धा रहा, कांटे से कांटे को निकाल लिया। जैसे कांटे से कांटे को निकाल लिया जाता है, इसी तरह असावधानी से, ममता और आसक्ति और फलिच्छा से किए गए कर्म जिन्होंने आपको बंधन में डाल दिया, यदि उसके विपरीत ममता आसक्ति और फलेच्छा को त्याग करके ईश्वर की आज्ञा मानकर ईश्वर के लिए हम कर्म करने लगे, तो वो कर्म पुराने कर्मों को भी वैसे खत्म कर देंगे जैसे सावधानी से चुभाया गया कांटा पहले के कांटे को निकाल के दर्हित आपको बना देता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र पंचमी, यज्ञ से भिन्न जो कर्म है वो बंधन। हाँ, बंधन के मैं अपने बेटे को करोड़पति बनाऊंगा और उसके लिए जो पाप करना पड़े सो करूंगा, न्याय अन्याय से जैसे तैसे धन कमाऊंगा। बन गया आप? बन गए? और मैं ईमानदारी से काम करूंगा, परिवार भूखा मरता है तो मरे, मैं शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, धर्म मर्यादा का त्याग, वो कर्म आपको मुक्ति दिला दे। कबीर ने जीवन भर कपड़े बुने और संत रविदास जीवन भर जूते बनाते रहे, जीवन भर, और संत तुकाराम जीवन भर तौलते रहे। क्या तुलाधार वैश्य जो था जिंदगी भर तराजू लेके तौलता रहा और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कर्म बंधन का हेतु नहीं। भगवान कृष्ण ने क्या किया? दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बोले, धर्मराज जी अगर आप एक झूठ बोल दो सारी दुनिया का राज्य आपको मिल जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूं। आपके एक झूठ बोलने से सारी दुनिया का राज मिल जाएगा। क्या बोलने? अश्वत्थामा मारा गया, इससे क्या होगा? द्रोणाचार्य जी नर्वस हो जाएंगे, शस्त्र फेंक देंगे, नहीं धृष्टद्युम्न उनको मार देगा, भीष्म पितामह तो बाणों की सही आप सोच चुके। अगर कहीं द्रोणाचार्य और समाप्त हो जाए तो अपनी विजय प्रारंभिक बल्लेबाज अगर आउट हो गए जीरो पर, एक दो चार रन बना के बाकियों को जीतना तो बहुत कठिन नहीं होगा ना, ऐसा लोग सोचते हैं विपक्षी। तो ये तो प्रारंभिक है, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुला दिया गया, अब द्रोणाचार्य अगर समाप्त हो जाए तो अपनी जीत आसान हो जाए। धर्मराज जी मैं वचन देता हूं आपको, अगर द्रोणाचार्य समाप्त हो जाए तो निश्चित आप सिंहासन पर बैठेंगे चक्रवर्ती सम्राट बनकर महाभारत। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं? केशव, पृथ्वी के राज्य के लिए मैं झूठ बोलूं, तीन लोग का राज्य मुझे दिया जाए और झूठ बोलने को कहा जाए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि राज्य मरने के बाद मेरे साथ नहीं जाएगा केशव, मेरा धर्म ही आगे मेरा साथी बनेगा, मेरा धर्म मुझे ऊपर ले जाएगा। मृत्यु के बाद व्यक्ति का पाप और पुण्य ही साथ जाता है, पैसा पत्नी पुत्र परिवार राज्य को साथ नहीं जाता। मुझसे झूठ नहीं बुलवाइए, मैं जंगल में रहकर जीवन व्यतीत कर लूंगा, मैं दुर्योधन का दास बन के जी लूंगा, लेकिन मैं झूठ, भगवान बोले मैं कह रहा हूं ना, झूठ बोल दो। नहीं केशव, आपने गीता में कह दिया है ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे,
मनुष्य के लिए ईश्वर भी प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण। ईश्वर को तो कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, कहीं चोरी भी करनी पड़ती है, तो कहीं छल और कपट भी करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं आपने? माखन चोरी करी, चीर चुराए, राजा बलि से छल किया नहीं किया? भमैया मैं नहीं माखन खायो, झूठ बोलना पड़ा नहीं? तो भगवान प्रमाण है कि शास्त्र प्रमाण। इसलिए गीता के 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक देख लीजिए आप, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तेरे लिए अंतिम प्रमाण शास्त्र है, मैं तेरे लिए प्रमाण हूं, ऐसा नहीं कहा भगवान कृष्ण। व्यक्ति प्रमाण नहीं है, जज प्रमाण नहीं है, संविधान प्रमाण होता है। जज तो लोभ में आकर कुछ कभी गलत कदम भी कोई उठा सकता है, क्या संविधान नहीं बदल सकता, व्यक्ति बदल सकता है। इसलिए अंतिम प्रमाण व्यक्ति है या संविधान? संविधान। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। अब फिर पांडव आपस में बैठ के चर्चा करने लगे, युधिष्ठिर से अलग हटके, भाई अब क्या किया जाए? क्योंकि द्रोणाचार्य और किसी की बात पर विश्वास करेंगे नहीं। द्रोणाचार्य के लिए एक प्रमाण है धर्मराज युधिष्ठिर, जो कहेंगे ठीक बोलेंगे। फिर मिलके गए, बोले धर्मराज जी नौका अटकी है, मझधार में डूब न जाए, निकाल लो जैसे तैसे, क्या करो? एक झूठ बोल दो। बोले प्रभु ये नहीं करो। अरे चलो आधी झूठ बोल दो, आधी बोल। आधी कैसी? बोले एक हाथी को मरवाया है अभी भीम के द्वारा, उसका नाम है अश्वत्थामा। भीम हाथी का नाम है अश्वत्थामा, उसको भीम मरवा दिया गया है। आप सिर्फ इतना बोल दो नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हटो हटो, नर है या कुंजर है? आधी झूठ हुई ना भाई? नहीं, अश्वत्थामा मर। आप धर्मराज युधिष्ठिर चले, बड़े मायूस होकर चले, नर्वस होकर चले। ठाकुर की आज्ञा, आज मुझे आधी झूठ। बहुत सारे तर्क भगवान ने दे दिए, कहां कहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, क्या? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। प्राणों पर संकट आ जाए, गाय के प्राण बचाना हो, ब्राह्मण के प्राण बचाना हो, धर्म की रक्षा करनी हो, तो झूठ बोलने नहीं लगता। समय तो धर्म की रक्षा भी करनी है, गौ ब्राह्मणों को बचाना है, फिर भी नर्वस थे। और जब चले युधिष्ठिर तो कौरव पक्ष वालों ने सोचा कि पांडव अपनी पराजय स्वीकार करके दंडवत करने सिलेंडर होने आ रहे हैं, तो उन लोगों ने जोर से बाजे बजा दिए। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर बोल पड़े नरोवा कुंजरो, बाजों की आवाज में सुनाई नहीं पड़ी, अनकैन सुनाई पड़ी अश्वत्थामा हतो हत। बस जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना अश्वत्थामा हतो हता, बस शस्त्र छोड़ दिया, बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया, मार दिया। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, राज्याभिषेक हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे। लेकिन कभी कभी वो ऐसे सो जाते, क्या बात आज आप उदास क्यों हो? सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, सारे विश्व में आपका शासन हुआ, कोई शत्रु नहीं। बोले जिंदगी में आधी झूठ मेरे मुख से निकली, वो चुभ रही है, वो चुभ रही है। इसको कहते हैं धर्म पूर्वक कर्म। क्या व्यक्ति आज अपने परिवार को करोड़पति बनाने के लिए हजारों झूठ बोल रहा है, हजार पाप कर रहा है, और फिर भी कहता है कि मेरे कर्म शुद्ध हैं, ये लज्जा की बात। भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जायो य कर्म यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, जो कर्म
ईश्वर से हटकर किया जाएगा वो बंधन का हेतु होगा। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र तदर्थम, परमात्मा ने तू परमात्मा के लिए कर्म कर, मुक्त संगा आसक्ति नहीं रखना। मैं जो कर रहा हूं वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर, बस। हम दृष्टांत दिया करते हैं, आप लोग अनेक बार सुन चुके होंगे। एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, विदेशी हमला किया और ऑफिसर ने आदेश दिया गोली चला दो। सोल्जर ने चलाई, 50 हमलावर मारे गए। सोल्जर फांसी लगेगी या इनाम मिलेगा? हाँ, लोग कहते हैं इनाम मिलेगा। 50 की हत्या करने वाले को वीर पुरस्कार इनाम मिलता है। उसकी बुद्धि थोड़ा कमजोर थी सोल्जर की, उसने सोचा मारने से इनाम मिलता है, प्रमोशन होता है। पड़ोसी से उसकी रंजिश चली आ रही थी, जब वो घर पहुंचा उसी राइफल से उसने पड़ोसी की हत्या कर दी। पकड़ा गया, फांसी का आदेश हो रहा। वो कहता है जी 50 को मारने में मुझको प्रमोशन और पुरस्कार मिला और एक की हत्या मैंने कर दी तो मुझे फांसी लगाई जा रही है। कहा गया बाबरे, उस समय जो तूने किया था वो तेरे ऑफिसर की आज्ञा थी, ये जो तूने किया है व्यक्तिगत रंजिश के कारण किया। जो अपनी इच्छा से कर्म किया जाएगा वो बंधन का हेतु बनेगा, जो ईश्वर की आज्ञा मानकर किया जाएगा वो कर्म बंधन का हेतु नहीं बन सकता। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञों के साथ प्रजा की सृष्टि की। सृष्टि के प्रारंभ में, ध्यान से सुने बात को, ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि की और कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधु। देखो भाई, आप लोग यज्ञों के द्वारा अपनी उन्नति करो, यज्ञों के द्वारा अपनी उन्नति करो। तुम यज्ञ करते रहोगे तो देवताओं को तृप्ति मिलेगी, देवता उसके बदले में आप लोगों को अन्न पानी रहेंगे। देवान भावयता नेनो, क्या ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतो। ब्रह्मा जी ने प्रजा से कहा कि आप यज्ञों के द्वारा देवताओं को तृप्त करो, यज्ञों के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। देवता वर्षा के द्वारा अन्न पानी देकर तुम्हें तृप्त करेंगे, माने तुम देवताओं को तृप्त करो, देवता तुम्हें तृप्त करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश हो गया ना। नहीं, जैसे सोल्जर के लिए अपने ऑफिसर का आदेश हो गया, यज्ञ करो। इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। यदि यज्ञ करते रहेंगे तो देवता आपको इष्ट पदार्थ देते रहेंगे, अभीष्ट है आपको जो चाहिए वो देवता आपको देते रहेंगे। और यदि आपने यज्ञ नहीं किया, जितना कमाया सब बेटों के नाम से, नहीं पत्नी पुत्र के नाम से जमा कर दिया, उससे दान नहीं किया आपने, यज्ञ नहीं किया, तो फिर आप चोर की श्रेणी में आ जाएंगे। भगवान कृष्ण के शब्दों में, तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो, देखिए, तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सा। आपको आज जो कुछ प्राप्त है वो देवताओं का दिया हुआ है, आपने पहले जन्म में देवताओं को दिया था, इसलिए आज देवता आपको दे रहे हैं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और आपको उन्होंने दिया और आपने उन्हें दिए बिना खा लिया तो आप चोर हो गए।
साफ शब्द लिखते हैं भगवान कृष्ण। क्या श्लोक देखिए और विचार कीजिए, देवता आपको देते हैं, आप देवताओं को देकर खाइए। गृहस्थ को स्वर्ग नहीं मिलता, मोक्ष की बात तो बहुत दूर है, मनु जी लिखते हैं। गृहस्थ के यहां पांच पाप रोज होते हैं, कंडनी पेशनी चैव उरुकुंभी च मार्जनी पंच सूना गृहस्थस्य। सन्यासी रोटी नहीं बना सकता अपने लिए, सन्यासी को भोजन बनाना निषेध है, भूखा मरेगा, रोटी नहीं बनाएगा, सिर्फ बनी बनाई मिले तो खा लेगा, नहीं तो फल फ्रूट दूध पर रह जाए, अपने लिए नहीं बना सकता। क्यों? बोले भोजन बनाने में पांच पाप, चलो कमाने में जो है वो तो अलग है, खाली रोटी पकाने में। कंडनी पेशनी उदकुंभी चमार्जनी, आग जलती है ना, उसमें कीड़े मकोड़े मरते हैं। चक्की में जो आटा पीसा जा रहा है, आप कहोगे अब तो हम पीसते ही नहीं, लेकिन पिस्ता तो आपके लिए है ना, उसमें भी कीड़े मकोड़े मरते हैं। चावल जो कूटे जाते हैं उसमें भी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। आप जहां पानी रखते हैं या भोजन बनाने के बाद जब झाड़ू मारते हैं, बोलो हिंसा हो रही है नहीं हो रही? तो पांच पाप तो गृहस्थ से नित्य होते हैं, इसको स्वर्ग कैसे मिले? कोई उपाय है कि इस पाप से बच के हम स्वर्ग जा सके? बोले हां, क्या उपाय है? तो मनु जी बतला रहे हैं, शास्त्र बतला रहे हैं, गीता भी सुना रहे हैं आपको। पांच महायज्ञ आप रोज कीजिए, पांच पापों से आप बच जाएंगे। तो होमश्चातिथीनां सपरिया तर्पण बलि अमी पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञादि वाचका। किसी सदग्रंथ का नित्य पाठ करो, किसी भी ग्रंथ का पाठ करके ही आप सो, एक संकल्प लो। जैसे गीता सुन रहे हो आप, संकल्प ले लो कि हम एक अध्याय आधा अध्याय एक श्लोक दो श्लोक रोज गीता का पाठ करेंगे। तो हमने तो कहा था इनको कि भाई यहां बोर्ड लगा दो, गीता पढ़ो आगे बढ़ो और गीता सुनो सुखी बनो, गीता पढ़ो आगे बढ़ो, गीता सुनो सुखी बनो। किसी भी सदग्रंथ का पाठ करना, इसको ऋषि यज्ञ कहते। हमारे ऋषियों ने बहुत काल तक तप करके अपने अंतःकरण को पवित्र बनाकर ग्रंथों का निर्माण किया। आप बिना नागा अखबार पढ़ते हैं नहीं, उपन्यास भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं अखबार की एक एक लाइन आप देखते हैं, लेकिन गीता पाठ के लिए आपके पास टाइम नहीं है, रामायण पढ़ने के लिए टाइम नहीं, योग वासिष्ठ के लिए टाइम नहीं। नहीं भाई, एक संकल्प लो, हम भोजन से पहले किसी ग्रंथ का पाठ जरूर करें। चलो भोजन से पहले नहीं निपटता है तो शयन से पहले, रात में सोने से पहले किसी भी ग्रंथ का पाठ करेंगे। पाठो हो महा हवन, क्या समझे? पहले देवियां रोटी बना के चूल्हे में दो तीन स्वाह दे देती थी, पांच स्वाह डाल देती थी, जाल में डाल देते थे। अब वो भी खत्म हो गया। पाठो होमा, हवन करना, ये देव यज्ञ। पांच यज्ञ रोज करो, महापापों से भी छुट्टी मिलेगी आप। पाठो होमा हाँ हवन, ठीक है। और अतिथि नाम सपरिया, भोजन के समय जब अपन ने भगवान को भोग लगाया और उस समय कोई भूखा व्यक्ति आ गया,
वो व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। अतिथि देवो भव, देव भगवान कहते हैं भोजन बनाकर ठाकुर को भोग लगाते समय अगर दरवाजे पर कोई आ गया भूखा तो उसको इंसान के रूप में नहीं देखना, वो इंसान के रूप में भगवान आया है। ये हमारे शास्त्र की, हमारे धर्म की मर्यादा है। संत तो ये भी कहते हैं, आजकल तो भोग लगाने की पद्धति भी गड़बड़ा गई है, बस थाली ले गए एक मिनट भी नहीं लगता, क्या घंटी हिलाई और बैठ के खाना शुरू कर। नहीं नहीं, ये भोग लगाने की पद्धति नहीं। भोग लगाने की पद्धति बिहारी जी में जाकर देखो, आधा घंटे तक पर्दा बंद, अरे भाई हमें जल्दी जाना है दर्शन। बोले अभी ठाकुर जी राजभोग पा रहे हैं, बताओ आधा घंटा। ठीक तो है, आपको भी तो 10-5 मिनट खाने में लगते ही होंगे लगते हैं, और आप थाली ले जाते हो उस तरफ दिखाया और वापिस चल पड़े। अरे ये कोई भोग लगाने का तरीका है तुम्हारा? शास्त्र कहते हैं कम से कम थाली 5 मिनट ठाकुर के सामने रख दो और बाहर आके दरवाजे पर खड़े होके प्रतीक्षा करो, इस ठाकुर आपके सामने हमने प्रसाद रखा है, पाने के लिए किसी रूप में आ जाओ। प्राचीन पद्धति आपको रहे हैं, आज के लिए नहीं है। आजकल तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग, टाइम ही कहां है। प्रभु प्रसाद पाने आओ, और उस बीच में अगर कोई अतिथि आ गया, अरे बड़े प्रसन्न होते थे, आज तो ठाकुर भोजन करने नहीं आए, तो गृहस्थ थोड़ा मायूस हो जाता था, ठाकुर हम पर नाराज हैं, आज भोजन करने नहीं है। अच्छा प्रभु, भावना से हम आपको दे रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं आए हो तो भावना के रूप में हमारा प्रसाद स्वीकार कर। कितने हो गए यज्ञ भाई, गिने आपने? 3 हो गए, पाठो होमः अतिथि नाम सफरिया उत्तर्पणम, पितरों के नाम से अर्पण दैनिक दे सको तो सौभाग्य की बात है। अमावस्या को तो लोग पितरों के नाम से निकालते ही निकालते थे, क्या तर्पण करते ही थे। और बलि, बलि का मतलब हुआ गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, नहीं और जो भी हो खिलाओ। तो 5 यज्ञ अगर आप करते हैं तो इनको यज्ञ नहीं कहा शास्त्रों ने, महायज्ञ कहा। आमी पंचायज्ञा ब्रह्म यज्ञादि नाम कहा, इसको महायज्ञ कहा। अब प्राचीन काल में गृहस्थ इन यज्ञों को कभी छोड़ता नहीं था, उसका नियम था इसका पालन। एक संत एक गृहस्थ के यहां आए और उस व्यक्ति ने महाराज बहुत बढ़िया खीर बनाई थी, बासमती चावल, बढ़िया दूध डाल करके और मसाला वसाला लो मेवा वगैरह के सर, और खीर तैयार हुई कि संत पहुंचे। बात पर ध्यान देंगे आप, खीर बनाई बासमती चावल की, बहुत बढ़िया केसर और मेवा डालकर, और जैसे ही थाली में उसने पड़ोसी, एक संत आ गए, नारायण हरि भाई भगत भोजन करो, थाली सामने रखी है। उसने सोचा इतनी बढ़िया खीर बनाई बाबा को खिला दूं तो मेरे लिए क्या रह जाएगा। उसने कहा वो मणिप्रभा फार्म हाउस में गीता चल रही है, वहां चले जाओ लंगर लगा हुआ है, बोलो वृंदावन हरी लाल की जय, वहां चले जाओ। वाह महाराज, वो चल पड़े संत इस तरफ। आश्चर्य की बात ये थी कि जो संत इस तरफ चले और उसने थाली को देखा, जितने चावल थे कीड़े बन के रहने लगे, सारे चावल कीड़े बन के रहने लगे थाली। अब तो वो घबरा गया, उसने सोचा है कोई सिद्ध संत थे, मैंने अपमान कर दिया, जा चरणों में गिरा, लगा रोने। महाराज चल के पूछा, उन्होंने कहा अब नहीं जाएंगे तेरे भैया,
अब तो वही जहां पता तुमने बता दिया वही ले। क्या समझे? बहुत रोया, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे क्षमा कर। भगवान ने उसी में, संत ने तुलसी का पत्ता निकाला, ये डाल देना, भगवान को भोग लगा दे, ठीक हो जाएगा, भविष्य में गलती नहीं। तुलसी का पत्ता ले जाके डाला, आग बंद की, खोला, फिर चावल के चावल, खीर के खीर थे। क्या समझे? भगवान कहते हैं देवताओं को खिलाए ना जो खाता है वो चोर चोर चोर। शब्द देख लो बार बार, यो भुंगते स्तेन एव, स्तेन चोर को कहते संस्कृत। और जो भगवान को खिलाए बिना, अतिथि को खिलाए बना बिना, केवल अपने लिए पका के जो खाते हैं वो अन्न नहीं खाते, भगवान कृष्ण के शब्दों में वो पाप खाते हैं, पाप। एक एक दाने में पाप छुपा हुआ है। ये 13वां श्लोक देख, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा। वो आग खा रहे हैं, आग माने वे पापी पाप ही खा रहे हैं, उनके हर दाने में पाप। ये पचन त्यात्म कारणात, जो अपने लिए पकाकर खाते। हमारी प्राचीन परंपरा थी, शास्त्रीय परंपरा, पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, दोनों व्यक्ति ने खा ली तो फिर किसका हिस्सा खा लिया? अब आप ही लोग बोलोगे वृंदावन हरि लाल की जय। पहली रोटी गाय, अंतिम रोटी कुत्ते, बीच में अतिथि को, अब जो बचा भगवान को भोग लगाने के बाद, अतिथि और गाय खिलाने के, कुत्ते को रोटी निकालने के बाद जो बचा, क्या समझे? वो क्या बचा भाई? हाँ, अमृत शब्द देखो, अमृत बचता है। अगले श्लोक मिलेगा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा, यज्ञ शिष्टा अमृत है, यज्ञ से बहुआ जो पदार्थ होता है वो अमृत हुआ करता है, इसलिए अमृत भोजन करना चाहिए, पाप नहीं खाना चाहिए भाई। यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन किया जाता है वो भोजन करने वाले संत हैं, और वो अन्न तुम्हारे सारे पापों को मिटा देता है। यज्ञ शिष्टा सिना संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय, किल विष पाप को कहते, और भुंजते ते त्वघम पापा। जो लोगों ने ले ली, और वेस्टर्न संस्कृति को हमने ले ली, क्या समझे? वो आकर के हिंदू बने और हम हिंदुस्तान में रह के अंग्रेज बने। एक्टर प्रेमनाथ थे, अब तो रहे नहीं, जबलपुर में हमारे आश्रम के साथ ही उन्होंने एक आश्रम बनाया हुआ। एक दिन बैठे बात हो रही थी, उन्होंने कहा महाराज जब ये अंग्रेज लोग हिंदू बन के आए हिंदुस्तान में, बंबई में, तो हमसे मिले और रोने लगे। उन्होंने कहा क्या बात? बोले हम लोग 10,000 किलोमीटर से चल के आए, ये सोचकर हम उस देश में जा रहे हैं जहां भगवान ने अवतार लिया है, वो पवित्र भूमि, वहां वैष्णव हमें मिलेंगे, चोटी चंदन जनेऊ धोती वाले, और मिलकर के खूब कीर्तन भजन पूजन करेंगे। लेकिन जब हम इस देश में आए तो हमको लगा हम किसी अंग्रेजी देश में आ गए, यहां तो कोई वो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले बड़ी पीड़ा हो रही है हमको, हम हिंदू बन के आ रहे हैं और हिंदू अंग्रेज बनते जा रहे हैं। सज्जनों थोड़ा सोचो, भगवान कृष्ण के वचनों पर थोड़ा विचार तो करो। क्या समझे? शिमला में कथा थी, वहां के चीफ जस्टिस आए कथा में,
श्रीनिवासन, आजकल वो इसमें आ गए हैं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट। इतनी लंबी छोटी धोती कुर्ता चंदन और एक सामान्य व्यक्ति की तरह आके बैठ गए। आप व्यक्तिगत धर्म का पालन कर सकते हैं, उसमें संविधान आपके आड़े नहीं आ सकता। क्या समझ, सार्वजनिक रूप से आप किसी की निंदा मत करो, आलोचना मत करो, अपने धर्म का पालन करने में आप स्वतंत्र हो, संविधान भी ये कहता है। क्या समझ, पर आप एकदम विदेशी बनते जा रहे हैं। अपने धर्म की ओर थोड़ा देखो। भगवान कहते हैं भोजन जब भी करो अमृत भोजन, यज्ञ शिष्टामृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातन। आगे श्लोक मिलेगा, जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन है वो अमृत है, अमृत। और यज्ञ किए बिना जो भोजन कर लिया जाता है, अपने लिए खाना बनाया पकाया और खा लिया, बोले वो पापी लोग वो अन्न में ही खा रहे, वो तो पाप खा रहे हैं। भगवान कृष्ण के स्नान करके भोजन करना चाहिए, भगवान का भजन करके भोजन करना। हाँ आप बीमार हैं, यात्रा में हैं, क्या किसी विषम परिस्थिति में हैं, वहां तो शास्त्र भी माफ करता है, लेकिन जब आप घर में हैं तो आपको स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। स्नान करके पहले भजन कर लो और भजन करके फिर भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के बाद फिर थोड़ा किसी अच्छे ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। जब समुद्र से जहर निकला सारे देवता घबरा गए। क्या समझे, अब इस विषम विष से हमें कौन बचाए, बोले भगवान शंकर का स्मरण करो, क्योंकि वे महादेव हैं, महामृत्युंजय हैं, वे महाकालेश्वर हैं, वो काल के महाकाल हैं, वही हमें आपको बचाएंगे। भगवान शंकर आए और उनके सामने जब जहर रखा गया, भगवान शंकर ने क्या किया, रा बोल करके जहर पी गए। राम तो पहले बोले रा, पी गए जहर, ऊपर से बोल दिया मां, संपुट लग गया ना, रा और मां के बीच में जहर को रख दिया तो वो जहर नहीं रहा, वो अमृत बन गया, क्योंकि रा और मां की पेटी में उसको रख दिया भगवान शंकर ने, गले में नीलमणि की तरह नीलकंठ, भगवान शंकर का नाम पड़ा। शास्त्रों में लिखा कि भगवान नारायण के गले में कौस्तुमणि है, भगवान नारायण कौस्तुमणि गले में धारण करके जैसे सुशोभित होते हैं, उससे ज्यादा बिना मणि के भगवान शंकर का कंठ नीला चमक रहा है, वो मणि नीलमणि जैसा शोभा दे रहा है, क्योंकि रा और माँ का संपुट देकर के उन्होंने जहर पिया, वो अमृत हो गया। यदि हम भजन करके भोजन करें और भोजन करके भगवान का स्मरण कर लें तो हमारा भोजन फिर अमृत हो जाएगा, वो जहरीला नहीं बनेगा, वो हमारी बुद्धि में विकार पैदा नहीं करेगा, वो गलत काम हमसे नहीं होने देगा, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। वेद भगवान घोषणा पूर्वक कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। सुनो तो क्या, क्यों कोई अभिमान रहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत कुछ जानते हैं। एक ने बहुत अच्छी बात, जिस वृक्ष की जड़ें नदी की धारा में हो उसको पानी की जरूरत है, किसी ने कहा जरूरत नहीं, किसी ने कहा जरूरत है, क्यों जरूरत, बोले नदी की धारा में जड़ें हैं तो उसको पानी मिलेगा, पोषण हो जाएगा, हरा भरा रहेगा, लेकिन पत्तों में जो धूल जमी उसका क्या होगा, वो तो ऊपर से पानी गिरेगा तभी धुलेगा। इसी तरह आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, विद्वान हो, ठीक है, लेकिन जब तक आप दूसरों से कथा नहीं सुनोगे तब तक अभिमान की ये धूल हटेगी नहीं और आपका कल्याण होगा नहीं। इसलिए भगवान शंकर भी हमें काकुसुंडी के पास बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं। तहां कछु काल मराल तन धर कीन तहां निवास, लिखा है रामायण, सादर सुन रघुपति गुण पुन आयो कैलाश।
हाँ शंकर, विद्वान को भी कथा सुननी चाहिए। भगवान राम की विद्वता में कोई कमी है? बोलो। लेकिन प्रात काल सरयू करिम जन, प्रात काल सरयू करिम जन, प्रात काल सरयू करिम जन, बैठहि सभा संग द्विज सजन, बैठहि सभा वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि यद्यपि सब जानहि, कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। तीन बार सत्संग करते थे प्रभु राम, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुराण। प्रातः काल, मध्यान्ह और रात्रि में तो 12 बजे। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना, ये शास्त्र का वचन। जो स्वाध्याय या प्रवचन में प्रमाद करेगा वो मारा जाए, उसको लक्ष्य का बोध नहीं। सदग्रंथों का स्वयं भी स्वाध्याय करना, और जहां कहीं सदग्रंथों का प्रवचन हो वहां बैठकर सुनना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमादितव्य, वहां प्रमाद नहीं करना। एक बात और सुन लो, घर की रोटी से होटल की ज्यादा टेस्ट फुल होती है। क्या समझे? घर की पत्नी से बेस्या ज्यादा चमकदार होती है, लेकिन वो सीधे नरक ले जाती है। जो भोजन ज्यादा टेस्ट फुल है वो रजोगुणी होता है, वो तमोगुणी होता है, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। ये समझ लो, भोजन हमेशा सात्विक करना चाहिए। अगर आप स्वाद को ज्यादा देखोगे तो स्वास्थ्य आपका खत्म हो जाएगा और बुद्धि भी लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। वेद भगवान की घोषणा है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध, ये वेद का वचन। जब तुम्हारा भोजन शुद्ध होगा तब तुम्हारा मन शुद्ध, जब मन शुद्ध होगा हृदय शुद्ध होगा तो तुम्हारी बुद्धि एकदम बढ़ेगी धर्म की ओर, ईश्वर की, विवेक जागेगा और जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। शरीर है जड़, आत्मा है चेतन, इन दोनों में लग गई है गांठ। हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, यह हमारा अज्ञान है। ये जड़ और चेतन की गांठ कब खुलेगी? खुले जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो। मजबूरी में खाना पड़ता हो अलग चीज है। क्या यूं घर में भोजन बने अपने हाथ जगन्नाथ, क्या अपनी माता के हाथ का भोजन अपनी पत्नी के हाथ का भोजन अमृत माना है शास्त्र। अमृत अमृत, अगर कहीं मां पड़ोसने लगे बेटे को अपने हाथ से, क्या मौजे ही मौजे। माँ का रोम रोम उस समय गदगद होता, मेरा बेटा खा पी के स्वस्थ दोस्त निर्मल बुद्धि वाला बने। क्या होटल के बहरे से सोचेंगे तुम्हारे लिए? आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध, घर का अपना भोजन हो, तुलसी पड़ी हो, भगवान को भोग लगा हो, गाय कुत्ते का हिस्सा निकाला गया हो, अतिथि को खिला दिया गया हो। अब जो है वो भोजन नहीं है, वो खाना नहीं है, वो तो अमृत है। भुंजते ते प्रभम पापा, ये पचन त्यात्म कारणा, तो अपने लिए खाना बनाया और खा लिया, बोले गलत हो गया। गाय नहीं मिल रही तो एक रोटी निकाल, कुत्ते तो आजकल हर कोठियों में, चलो नहीं मिले तो उसके लिए बाहर कहीं रख दो, उसके निमित्त तो
कौवा कुत्ते कोई खा लेंगे उसे कोई खा। एक बार तुम्हारे मन में ये भाव तो बनना चाहिए कि इसमें उनका भी हिस्सा है, भगवान के सामने तुलसी डाल के भोग लगाओ पवित्र। अगर यही नियम ले लो तो वैष्णव हो जाओगे, वेजिटेरियन हो जाओगे। अपने लिए खाना बनाया और खा लिया, बोले गलत हो गया। गाय नहीं मिल रही तो एक रोटी निकाल लो, कुत्ते तो आजकल हर कोठियों में, चलो नहीं मिले तो उसके लिए बाहर कहीं रख दो, उसके निमित्त तो कौवा कुत्ते कोई खा लेंगे कोई खा। एक बार तुम्हारे मन में ये भाव तो बनना चाहिए कि इसमें उनका भी हिस्सा है, भगवान के सामने तुलसी डाल के भोग लगाओ पवित्र। अगर यही नियम ले लो तो वैष्णव हो जाओगे, वेजिटेरियन हो जाओगे, क्योंकि भगवान को वही चीज भोग लगेगी जब वेजिटेरियन होगी नहीं। और जहां मिले, जो मिले, जब मिले, जैसा मिले, तो नॉन वेजिटेरियन रहोगे। आज पश्चिमी लोग वेजिटेरियन होते जा रहे हैं और हमारे हिंदू लोग नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है, ये उल्टा। जो लोग विदेशों में बसे हैं वो भारतीय अध्यात्म विद्या सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं और यहाँ के लोग विमुख हो रहे हैं। भगवान के शब्दों पर ध्यान देना है, यज्ञ शिष्टा सिना संतो, यज्ञ से बचा हुआ भोजन संतों का भोजन है, और भोजन भी तुम्हारे पाप काटता है। अब बताओ, तुम गंगा नहा के पाप कटाना चाहते हो, तुम नाम जप के नाम में पाप कटाने की इच्छा रखते हो, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम भोजन करोगे उसमें भी तुम्हारे पाप कटो। यज्ञ शिष्टा से न संतो मुचंते सर्व किल विषय ही किल विष पाप को कहते हैं, भुंजते ते त्वगम पापा। अन्नाद भवंति भूतानी, बड़े काम की बात सुनो भाई भारतीयों, सुनो ध्यान। भगवान कृष्ण की बात और सुने न सुने तुम्हें तो सुननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आराध्य देवता हैं, तुम्हारे भगवान हैं। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ ध्यान से सुनो बात, सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न मस्त प्राणी पैदा होते हैं, ठीक है। और अन्न कहां से पैदा हुआ, बोले परजन्या, जल से अन्न पैदा होता है। भाई जल नहीं गिरेगा तो अन्न कहां से हो जाएगा, मनुष्य रोटी नहीं खाएगा जीवाणु कैसे बनेंगे, जिएगा कैसे। तो मनुष्य का जीवन तो अन्न है ना, मनुष्य अन्न से पैदा होता है, ठीक है। और अन्न कहां से पैदा हुआ, जल से, बादलों से, वर्षा हुई अन्न पैदा हुआ। बादल कहां से पैदा हुआ, बोले यज्ञ के धुएं से, बाहर डीजल और पेट्रोल से नहीं। पहले जो बादल बनते थे वो यज्ञ के धुएं से। भाई हमें अच्छी तरह याद है, 50 वर्ष पहले रोटी में, घी में, दूध में जो स्वाद था वो अब नहीं रहे। उस समय एक घर में देसी घी की पूड़ी बनती तो पूरे मोहल्ले में सुगंधी देसी घी की पूड़ियां इसके बन रही, और अब घर की घर में भी नहीं पता। बासमती चावल एक घर में बन जाए पूरे मोहल्ले को पता लग जाता था भाई इसके यहाँ वो स्वाद ही नहीं। पहले यज्ञ के धुएं से बादल बनते थे, और यज्ञ कैसे होते थे, बोले कर्म से, हाथ पैर की हलचल कर्म है, कर्म से, वेद मंत्रों से यज्ञ होते थे, और मंत्र वेद से प्रकट होते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसीलिए जो कुछ कहा गया वेदों में वो ईश्वर की वाणी, वो ईश्वर का आदेश है। अगर ईश्वर के इस आदेश का हमने पालन नहीं किया, भगवान ने दुखी होकर कहता क्या,
मोघम पार्थ सजीवत, वो तो व्यर्थ जिंदा है, मर जाए तो अच्छा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति है या अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सा जीवती। 16वां श्लोक है भाई, दोबारा सुन लो। परमात्मा से वेद प्रकट हुए, ठीक है ना, वेद के मंत्रों से हवन हुआ, हवन के धुएं से बादल बने, और बादल से जल वर्षा से अन्न पैदा हुआ, और अन्न से मनुष्य पैदा हुआ, ठीक है ना। तो देवताओं ने हमको दिया, अब हम देवताओं को दे करके फिर प्रसाद पाए, हम उनके ऋण से पूर्ण हो जाते हैं, हम उनके ऋण से पूर्ण होते हैं जिन्होंने हमको दिया, और नहीं देते हम इस क्रम से अपना जीवन नहीं बिताते तो भगवान दुखी होकर कह रहे हैं अघायु इंद्रिया रामा। इंद्रिया रामा, जो इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, जो सृष्टि के क्रम का नियमों का पालन नहीं करता, जब जहां जो जैसा मिला, क्या था? बोले अघायु, तो पाप ही उसकी आयु, सारी आयु पाप से भरी है। और मोघम पार्थ सजीवति, वो व्यर्थ ही जी रहा है, मर जाए तो ठीक है। अब बताओ, भगवान भी दुखी होकर बोल रहे हैं, जैसे कोई बेटा बहुत नालायक हो ना, बाप दुखी गया तो चला जाए, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति व्यर्थ जी रहा है। मोघम पार्थ सा जीवति, तो अर्जुन ने फिर पूछा, बोले प्रभु ये यज्ञ सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है? भगवान ने कहा नहीं। ध्यान से सुनो बात को, विचार करो बुद्धि लगा के। भगवान कहते हैं ये यज्ञ उनके लिए जरूरी नहीं है। किन के लिए? जो आत्मरति रहे हो, जो अपनी आत्मा में ही रमण करने लगे हैं। आत्म तृप्तश्च मानवः और आत्मनियोच संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, जो अपने में संतुष्ट है, क्या, और अपने में पूर्ण, जिसे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए यज्ञ करना अनिवार्य नहीं। इसलिए आपको बताया ना हमने कि सन्यासी भोजन नहीं बनाता, क्योंकि भोजन बनाए तो ये पांच नियम लागू होंगे उसके लिए। तो दीक्षा लेता है, नारायण हरि किया, प्रसाद पाया और ना चल। ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, और जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, तथा आत्मा में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य ये विधि जरूरी नहीं। प्रारंभ में भगवान ने कह दिया ना कि दो निष्ठाएं हैं, दो रास्ते हैं, ठीक है ना। एक निष्ठा वो है जहां सब कुछ त्याग है, दूसरी निष्ठा वो है जहां कर्म है और उसकी विधि। अगर मान लेते भाई आपकी गाड़ी गैरेज में खड़ी है तो आयल पानी की जरूरत है उसको? बोलिए, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? नहीं। कब जरूरत पड़ेगी? जब चलेगी, स्टार्ट करो, पेट्रोल भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और गैरेज में खड़ी है, खड़ी है, कुछ नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति गैरेज में आ गया, माने अपने से अपने अंदर ही आके अपनी आत्मा में मस्त रहने लगा, अब उसको बाहर से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, उसके लिए ये विधि नहीं है जो अभी बताई, क्योंकि वो 24 घंटे अपने आत्मा में मग्न है, मस्त है। सुरतिया चल प्रीतम के देश, अपनी वृत्ति से कोई संत कहते हैं, मन की वृत्ति से, सुरतिया चल प्रीतम के देश, जहां न सूरत जहां न मूरत, पूर्ण धनी धनेश। सुरतिया चल प्रीतम के देश, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलन, साधो सहज समाधि भली। जब व्यक्ति उस स्थिति में आ जाता है, वो शायद अभी
हर व्यक्ति के बस का तो नहीं है, कुछ लोग उसका आनंद लेते हैं। तो यशत्वात्म रतिदेव शादात्म तृप्तश्च मानवः और आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। कार्य मतलब कर्तव्य, ये तुम्हें करना है, उस व्यक्ति के लिए विधि नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आत्मा छोड़ करके अब और कोई विषय रहा ही नहीं। वो 24 घंटे आत्मानंद में मग्न है, आत्मा और परमात्मा दोनों को उसने एक कर लिया, शरीर से अपने को अलग देख लिया, अब कर्तव्य शेष नहीं रहे। जैसे हमने कहा ना, वो कार स्टार्ट करोगे तो ऑयल पानी चाहिए इसको, पेट्रोल। जब शरीर में बैठोगे और शरीर की पूर्ति करना चाहोगे तो विधि का पालन करना पड़ेगा, और शरीर से पीछे हटकर आत्मा में मग्न हो गए, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। यही भगवान आगे कह रहे हैं, सुन लो। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चनो न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष के लिए विश्व में कुछ भी कर्म करने लायक नहीं, वो करे तो नुकसान नहीं है और न करे तो कोई नुकसान नहीं, कर दे तो कोई फायदा भी नहीं उसके लिए, क्योंकि उसको जहां पहुंचना था वहां वो पहुंच गया। अब वो अगर शुभ कर्म करता है तो संसार को रास्ता दिखाने के लिए, क्या समझे, और नहीं करता है तो उससे उसका कोई नुकसान होना नहीं, तो कि जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, जो रास्ते में है वो कर्म करें। तस्मात् असक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचरो अर्जुन, तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना प्रारंभ करो, कर्म करो। असक्तो ह्याचरन कर्मो, जो व्यक्ति कर्म में अनासक्त है वो कर्म करता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता। आप देखिए ना, असक्तो ह्याचरन कर्म परमापनोति पुरुष, वो पुरुष परमात्मा नो आपनोति प्राप्नोति। कर्म भी आपका ईश्वर से मिला सकता है, कर्म आप करो, लेकिन कैसे करो ये विधि समझ। अभी रात को ही चर्चा हो रही थी कि भाई शास्त्र कहते हैं मां से प्यार करो, पिता से प्यार करो, गुरु और अतिथि से प्यार करो, वहां यह क्यों नहीं लिखा कि पत्नी से प्यार करो। वेद में यह भी तो लिखना चाहिए था ना, पत्नी देवो भवो, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। वेद माता को पिता को ईश्वर मानो, गुरु को ईश्वर मानो, भोजन के समय आए अतिथि को ईश्वर रूप में, तो पत्नी को भी ईश्वर मानो, ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो उसका समाधान यही है कि पत्नी से प्यार तो स्वाभाविक होता ही है, विधि वहां बनाई जाती है जहां प्रवृत्ति न हो। बात को समझो जरा, जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहां के लिए विधि क्या करेगी, वो तो स्वाभाविक ही प्यार है। भाई पानी को नीचे लाने के लिए मशीन लगाओ, बोले पागलपन है, पानी का तो स्वभाव ही है नीचे की ओर। हाँ टंकी में चढ़ाना है तो माता पिता ने तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे लिए अपना जीवन लगा दिया है, अब तुम बीवी पाकर के माता पिता को भूल न जाओ, इसलिए वेद ने कहा मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव अतिथि देवो। बात समझ में आ गई आपके, नहीं। जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहां विधि की क्या है, तो है ये। तो कर्म करो, कर्म तो दुनिया कर ही रही, कर्म तो दुनिया कर ही रही है। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पशु पक्षी जो कर्म नहीं कर रहा। हां अब कर्म करना है तो कैसे करो, ये भगवान युक्ति बता रहे हैं। ये तीसरा अध्याय कर्म योग है, कर्म योग। कर्म की फिलॉसफी अगर समझनी है, कर्म का स्वरूप अगर आपको समझना है, तो गीता के तीसरे अध्याय का मंथन कर लो। कर्म नहीं छोड़ो, कामना छोड़ो,
ये कर्म हमारे लिए कर्तव्य है, इस भाव से कर्म करो। मैं अपने लिए कर रहा हूं, मुझे इसके फल की इच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये बंधन है। बाकी ईश्वर ने मुझे ये कर्म का आदेश दिया है, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। इस भाव से कर्म करो, बंधन नहीं होगा। ठीक समझ में आ रहा है? अच्छा, असक्तो ह्याचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। कर्म करता हुआ भी जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कोई प्रमाण है कर्म करने वाले ईश्वर को पा गए? तो भगवान कृष्ण जनक का स्मरण करते हैं। देखो श्लोक 20वां, कर्मणैः संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः आदि पदेन। और भी कुछ ज्ञानी, कर्मणैः संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। कर्म करते करते ही सिद्धि प्राप्त करने वालों में प्रमुख हैं जनक। और भी, उन्होंने राज्य का संचालन किया, उनके पत्नी हैं, उनके पुत्र हैं, क्या सेना, सोल्जर, सिपाही। वो पाप करने वाले को दंड भी देते हैं और पुण्य करने वाले को पुरस्कार भी दे रहे हैं। लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई, परमात्मा उनके यहां दामान बन के आ गए, क्या चित शक्ति उनके यहां सीता बनकर प्रकट हो गई, उनको सिद्धि प्राप्त हुई। वो परम ज्ञानी थे। महाराज जनक से ज्ञान लेने के लिए बड़े बड़े योगी जाते थे। सुखदेव गए, ये तो बात बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी, 7 दिनों तक खड़े रहे के गेट जनक से ज्ञान। ऐसा नहीं कि भाई विरक्तों के पास ही ज्ञान हो सकता है, गृहस्थों में भी ज्ञान होता है। और जहां ज्ञान हो उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। आप कर्म करते करते भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि भगवान ने जैसा कर्म करने का आदेश दिया वैसा करना। एक तो शास्त्र की विधि से कर्म करना, कर्म में पाप न हो इसका ध्यान रखना, कर्म फल की इच्छा हो ये ध्यान रखना, और मैं कर्म करता हूं अपने घर के लिए ये भावना। 3 शर्तें हैं इसमें, आप समझ, ममता, आसक्ति, फल इच्छा। ध्यान, ममता, आसक्ति और फल इच्छा, इन 3 का त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना है। ये उदाहरण पहले दे चुके हैं कि भाई जब हमें चाहिए ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें। बोले नहीं, आलसी बन के पड़े नहीं रहना अर्जुन, आलस्य को तो वेदों ने मौत कहा है। प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रह्मीमी, जो व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो मौत के मुख में जा रहा है, वो तो मुर्दा है, मुर्दा। व्यक्ति का जीवन सक्रिय होना चाहिए, कर्मठ व्यक्ति बने, कर्म करे। लेकिन उसमें शर्त यही है कि कर्म फल की अच्छा जी, आपने करोड़ों रुपया लगा के शादी की बेटी की, करोड़ों रुपया में आपको क्या मिलेगा? सिर ला दिया, बोले कुछ नहीं मिलेगा। क्यों लगा दिया आपने? बोले हमारा कर्तव्य है, लोग कहते हैं ये हमारा कर्तव्य है। बेटी पैदा की, पढ़ाया, अच्छे घर में शादी की, दहेज ज्यादा लगा तो भी हमने दिया। फल की इच्छा है कोई? नहीं। क्यों? ये हमारा कर्तव्य, इसी का नाम कर्तव्य। जैसे बेटी को सब कुछ लेकर भी हम हाथ ही जोड़ते रहते हैं, हमें चाहिए कुछ नहीं, बस बेटी अपने घर सुखी रहे। वो ये ना सोच कहे कि हमें पिता ने कहां ब्याह दिया कि हम रोते रहे, बस बेटी सुखी रहे, पिता और कुछ नहीं चाहिए बेटी से। बस भगवान यही कहते हैं कि जैसे बेटी के प्रति तुम अपना कर्तव्य समझते हो, इसी तरह से परिवार के और समाज के प्रति कर्तव्य समझ के कर्म करो, फल की इच्छा। कहा जाए फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? अरे बाबा, फल तो मिलना ही मिलना है,
नहीं समझा। हमारे लोगों की चर्चा का विषय यही होता है, आपस में जब बैठते हैं हम लोग तो ज्यादा उसी व्यक्ति को हम पास में बैठने देते हैं जो इसी तरह की चर्चाएं कर। हम कहा करते हैं कि भाई तुम ज्यादा पुरुषार्थ को महत्व दोगे तो बताओ कुली कबाड़ी से ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बोलो। और पेट को रोटी नहीं उनकी जुगड़ रही, झोपड़ी में, और तुम एसी कमरे में बैठे और लाखों रुपया आ रहा है तुम्हारे पास, तो अब इसको क्या मानोगे, पुरुषार्थ मानोगे कि प्रारब्ध मानोगे? क्या कलकत्ते में एक सेठ ने कहा महाराज हम परिश्रम भले न करें पर बुद्धि तो लगाते हैं। हमने कहा सेठ जी बुद्धि कौन सी बाजार से खरीद के लाए हो? आपको बुद्धि भी तो भगवान ने दी है ना, आपने पहले जन्म में ऐसा कर्म किया कि आज भगवान ने आप ऐसी बुद्धि दी कि आप बैठे बैठे बुद्धि से रुपया कमा रहे हो, तो वो भी तो देने वाला ईश्वर ही है। पुरुषार्थ जरूर करो। भगवान ने घोषणा पूर्व गीता में कहा माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में तेरी प्रवृत्ति ना हो, आस्था ना हो, कर्म तो तुझको करना ही है। पर कर्म के साथ भगवान ने शर्तें भी जोड़ दी, कर्म करो लेकिन ममता आसक्ति और फलेच्छा तीनों। मैं अपने परिवार के लिए कर्म कर रहा हूं इसको ममता कहते हैं, समझो, और ये कर्म किए बिना मैं रह ही नहीं सकता इसको आसक्ति कहते हैं, और इस कर्म का फल मुझको चाहिए इसको फलेच्छा कहते हैं। तीन से मुक्त होकर के ईश्वर ने शरीर दिया है कर्म करने के लिए दिया। कबीर दास जी का एक प्रकरण बड़ा अच्छा इससे मिलता जुलता। कबीर दास जी कपड़ा बुनते थे प्रायः सबको ये जानकारी है, तो वो धागा जो पुरोते ना खड़िया में, तो दूसरे जो फूंक मार रहे तो धागा पार चला जाता है जल्दी गांठ फांठ लगा के, वो ज्यादा कपड़े बुन लेते थे थोड़ा। और कबीर जी फूंक नहीं मारते थे, ऐसे ही डालते, तो ऐसे डालने में थोड़ा समय लगता था। तो माई लोई ने कहा घर में इतनी गरीबी है क्या, अगर आप भी फूंक मार के जल्दी गांठ लगा करके बुनो तो चार ज्यादा बन जाए, तो चार पैसे घर में आ जाए, तो बच्चों की रोटी तो ठीक हो जाए। कबीर ने कहा देख लोई, चाहे बच्चे करोड़पति हो और चाहे कंगाल रहे, मुझको इसकी चिंता नहीं, क्योंकि पैदा होने से पहले ये मेरे थे नहीं और शरीर छूटने के बाद मेरे रहेंगे नहीं, ये तो टेम्परेरी नाता है। मैं फूंक मार करके धागा नहीं पुरोऊंगा। समस्या क्या है फूंक मारने? बोले फूंक मारते ही मेरी फूंक निकल गई तो मेरा क्या होगा? बोलो वृंदावन लाल की जय। फूंक मारते ही फूंक निकल गई, प्राण निकल गए तो क्या होगा? मैं तो श्वास श्वास हरिफो जपो बाधा रहे ना कोई। मेरा सिद्धांत यह है कि नाम जपता हुआ काम करूंगा उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो मैं इसकी चिंता ना करूं। और एक बात और विश्वास लेके आप जाओ, अगर भजन की कमाई है आपकी, ईमानदारी की कमाई है, तो थोड़ी कमाई भी आपके घर में ज्यादा दिन फले फूलेगी टिकेगी, और बेईमानी की कमाई है तो थोड़े दिन में वो चली जाए। मनु जी ने मनुष्य वृत्ति में लिखा है पाप की कमाई 10 वर्ष तक बहुत फलती फूलती है और उसके बाद वो निकलना शुरू हो जाती है। अब फिर मैं ब्याज के वो मूल को भी लेके सरक जाती। श्लोक है मनु जी का, अन्यायो पार्जितम द्रव्यम, अन्यायो पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठत संप्राप्तवै का दशे वर्षे समूलम च विनश्यति।
चलो 10 की जगह 20 ले लो, 25 ले लो। ज्यादा दिन नहीं टिकेगी बेईमानी कमाई, और ईमानदारी की अगर कमाई है तो आपका साथ बहुत है। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे थे एक जगह, बात चल रही थी। अकबर कहता था, भाई पैसा कमाते समय अगर धर्म को देखोगे तो ज्यादा धन नहीं कमा पाओ। मेरा सिद्धांत यह है कि धन कमाते समय फूल जाओ धर्म को, जैसे भी हो पैसा। बीरबल कहते हैं, मेरे मत से धन कमाना हो तो ईमानदारी से, धर्म से। धर्म की कमाई अगर समुद्र में फेंक दी जाए तो लौट के वापिस आ जाएगी, और बेईमानी की कमाई 7 तालों के अंदर रखी जाए तो भी चले जाए। अकबर ने कहा, ये तो सब बातें हैं बीरबल, मैं तो ऐसा नहीं मानता। अकबर बीरबल ने, सरकार माने ना माने ये तो आपकी मर्जी है, इच्छा, मैं क्या कह सकता हूं। पर हमारा जो सिद्धांत है शास्त्री, वो ये कि ईमानदारी की कमाई समुद्र में फेंक दो, ना आ जाए तो कहने। अकबर ने कहा, तो फिर मैं परीक्षण करूंगा। कर लो। वेश बदल के गए अकबर, एक लोहार की दुकान में नौकर बने, और हथौड़ा लेकर के लोहा पीटा हाथों में चले। पैसे मिले, एक अंगूठी बनवाई। मन में दुख भी था ना, रोष जैसे होता है ना, देख बीरबल ये अंगूठी बनाई लोहा पीट कर, और इसको मैं यमुना में फेंकता हूं, और यदि 1 महीने के अंदर अंगूठी वापस नहीं मिली तो तेरा सिर कत्ल कर दिया। बेचारा ब्राह्मण बीरबल आस्तिक तो है ही, भगवान को मानता था बहुत। ठीक है सरकार, मैंने जो कहा है, यदि धर्म और ईश्वर है व्यवस्था करेगा, नहीं है तो ठीक। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजर गए, अभी तक अंगूठी का पता, उसमें सरकारी सील भी लगी थी ना, नहीं डुप्लीकेट लाके दे देना। बीरबल व्यक्तिगत सील जो थी अकबर की वो लगवाई। बीरबल ने सब तो मर नहीं है, क्योंकि 20-25 दिन गुजर गए और अभी तक अंगूठी का। अब तो यमुना उथली हो गई ना भैया, पहले तो ये बहुत गहरी। चलो अब मरने से पहले कुछ लोगों को खिला पिला दें, मरेंगे। पर मैंने जो पढ़ा और सुना है उसके आधार पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। खिलाना शुरू, प्राचीन काल में लोग साधु ब्राह्मण कन्या इनका खाते थे, इनके धन को जहर जैसा मानते, और मजबूरी में अगर खाना पड़े ना तो जितना खाएं उससे कुछ ज्यादा दे आते थे। ये पुरानी परंपरा में आपको सुना रहा हूं, आज की बात नहीं। ब्राह्मण है बीरबल, उसने नगर भोज का आयोजन किया, सभी लोग आए, आना है ब्राह्मण के घर का खा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो देना है। बीरबल ने घोषणा करा दी, यहां मैं कुछ लूंगा नहीं। लोगों ने कहा, महाराज आप लो ना लो, हम तो आपके घर छोड़ के जाएंगे, आप आगे देते रहना किसी को, हम फ्री फंड में ब्राह्मण का नहीं खाते। संयोग की बात देखो, क्या मजेदार बात। किसी केवट ने मछली मारी थी, फाड़ा तो अंगूठी, मछली ने निगल लिया था ना फेंकते समय, वो सोचने लगा कि ब्राह्मण के घर खाना है और इसमें शील वील भी लगी है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, चोर ना समझा जाऊं, चलो ब्राह्मण के घर खाएंगे, उसी को दे दो, छुट्टी हो जाएगी अपने भैया। खाया पिया और उसके बाद बीरबल से कहा कि, जब बीरबल ने देखा वही अंगूठी वही शील,
दूसरों का दिया तो नाना कर रहा था, लेकिन जब केवट ने दिया तो फट से ले लिया वीर ने। वाह भाई वाह, धन्यवाद तेरे को, आशीर्वाद जाओ। दौड़ता हुआ अकबर के पास बीरबल, और उसने अंगूठी दिखाई। अकबर ने जब देखा उसकी आंख में आंसू भरे आए, उसने कहा बीरबल सचमुच में जो तुमने कहा था वो सत्य है, सत्य है। ईमानदारी की कमाई समुद्र में फेंक दी जाए तो भी मिल जाती है, और बेईमानी से कमा के रख लिया तो जिन्होंने दुनिया भर को लूटा अंत में वो कंगाल हो गए। दूसरे राष्ट्रों को जीत जीत करके संपत्ति बटोर के जो खरबों पति बने, नहीं वो अंत में खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा। धर्म, ईमान, ईश्वर, ये दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। आप कर्म करें, फल की इच्छा नहीं रखें, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। जैसे ब्राह्मण के लिए लिखा है कि आहार हर संध्या उपाशी दो, ब्राह्मण को संध्या करनी चाहिए, नहीं करेगा तो पाप लगेगा, शूद्र हो जाए, और करेगा तो कोई फल नहीं। चलो, संध्या करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा नहीं, संध्या करो। भागवत में कथा आती है कि एक राजा थे नभक, उनके पुत्र थे नाभाग। कई बार सुने हैं आप लोग, जब नाभाग गुरुकुल पढ़ने गए तो उनके भाइयों ने सारी संपत्ति बांट लिया, और जब नाभाग लौट के आए बोले मेरा हिस्सा, बोले पिता तुम्हारे, पिता के पास संपत्ति थी नहीं। अब वो दौड़े दौड़े गए पिता के पास, उन्होंने कहा पिताजी आप मुझे मिले हो, मेरे हिस्से में आप हो, भाइयों ने संपत्ति ले ली और मुझे आपको दिया। पिता ने कहा बेटा मुझे क्या करेगा तू, मेरे पास जो था सब उन लोगों ने ले लिया, अब खाली बाप को लेके क्या करेगा। अब पुत्र का उत्तर सुनो ना, उसने कहा पिताजी अगर माता पिता की सेवा कुछ पाने के लिए की जाएगी तो वो धर्म नहीं होगा, वो लोभ हो जाएगा। फिर पिता तो पारस है, जैसे पारस सोना उगलती है, लोहा छुआ सोना बन जाए, तो आपने जो कमाया वो सोना है, वो भाइयों ने ले लिया और पारस मुझे दे दिया, तो सोना ज्यादा कीमती है कि पारस। पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना ये पुत्र का कर्तव्य है, बस केवल इतना मुझे पता है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपसे फल की कोई इच्छा नहीं। विस्तार से लिखा है। फिर बेटे ने क्या बढ़िया सेवा की है, सुबह 4 बजे के रात को 10 बजे तक हर समय आगे पीछे पिताजी पिताजी पिताजी, जो बात कहे माता पिता, जी पिताजी जी पिताजी, माता का जी माता। अब तो पिता रोने लगे, रोम रोम आशीर्वाद देते, हे परमात्मा ऐसे मात्र पितृ भक्त पुत्र को कभी दुखी नहीं हो, अगर आपने ऐसे पुत्र को दुखी बना दिया तो आपका वेद वचन कट जाएगा कि धर्म का पालन करने वाले को धन और सुख मिलता है। ये धर्म बुद्धि से मेरी सेवा कर रहा है, इतना बड़ा विद्वान होकर भी रात दिन सेवा में लगा है, इसको दुखी नहीं होने देना मेरे प्रभु। हमने कहा ना कि आप पत्नी की सेवा करोगे तो वो सोचेगी ये तो इनका कर्तव्य है, लेकिन आप माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता सोचेंगे देखो मेरा बेटा कितना लायक है, दुनिया पत्नी के पीछे पागल हो रही, मेरा बेटा माता पिता के हाजी करता रहता है। हे परमात्मा इनको सुखी बना दे, हे परमात्मा इनको, बूढ़े लोग काम नहीं करते,
लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि बूढ़े जितना काम कर रहे हैं जवान नहीं करते। जवान के मन में अभिमान होता है, मैं कमा रहा हूं, मैं दूसरों को खिलाऊंगा, मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूं, मुझे सेवा की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं। लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा उसका अभिमान निकल जाता है, फिर वो दूसरे के आश्रित हो गया ना, और जब दूसरा उसकी सेवा करेगा उसका रोम रोम उसको आशीर्वाद देगा। वो घर में बैठा बैठा यही कहेगा मन में, हे भगवान मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी बहू सुखी रहे, मेरे पोते ठीक रहे, क्योंकि यही तो मेरे आधार हैं, अगर ये नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, परमात्मा इनको सुखी रख परमात्मा। तो वो बूढ़े जो घर में बैठे काम नहीं कर रहे आप सोचते हो, वो काम करने से भी कहीं ज्यादा भगवान का भजन करके तुम्हारी भलाई की कामना कर रहे। अब नभक को चिंता हुई कि बेटे को धन कैसे मिले, दो मिनट की बात है बस ना। उन्होंने सुना किसी से कि अंगिरस गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और छठवें दिन का कृत्य वो भूल जाते हैं। उन दिनों पुस्तकें नहीं थी ना, श्रुति कहलाती है, वेदों को अपने यहां क्या कहते हैं, श्रुति, सुन सुन के याद करके रख लेते, पुस्तक नहीं बना, इसका दुरुपयोग ना हो, व्यवस्था नहीं थी या दुरुपयोग ना हो, दोनों पर श्रुति। तो वो दोनों सूक्त पिता को याद थे, पता लगा कि विश्व देव के दो सूक्त वो भूल जाते हैं, इसने बेटे से कहा बेटा जाओ, ये दोनों सूक्त उन ब्राह्मणों को सुना दो, उनका यज्ञ पूरा हो जाए। जी पिताजी, गए सुनाए, अरे उन्होंने कहा नाभाग तुमने तो हमारा अधूरा यज्ञ पूरा करा दिया, ये सूक्त हमें कहीं मिल नहीं रहे थे, यज्ञ अधूरा था, जाओ इस यज्ञ में जितना धन बचेगा वो सब तुम्हारा हो। यज्ञ समाप्त हुआ, करोड़ों की संपत्ति बची, में सब सोने के पात्र थे और बहुत कुछ सब था। ब्राह्मणों ने चलते समय कहा नाभाग उठाओ ले जाओ, जब लेने लगे तो ईशान कोण से, ईशान दिशा से एक काले रंग का पुरुष आ गया, काला काला एकदम, और उसने क्या कर, बोले ऋषियों ने हमको ये दिया है तो बोले नहीं ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा ले जाओ, बोले मैं कह रहा हूं तुम्हारा अधिकार नहीं है इसमें, ठीक है नहीं है तो छोड़ देता हूं, पर आधार क्या है, बोले अपने पिता से पूछ के आओ आधार क्या है। ध्यान से सुन रहे हो ना, वो गया पिता के पास, पिताजी इतनी संपत्ति ब्राह्मणों ने दी, मैं उठाने लगा एक काले रंग का पुरुष आ गया, वो क्या तुम्हारा अधिकार नहीं इसमें, बोले हां बेटा तुम्हारा अधिकार तो नहीं है उसमें, भगवान शंकर का अधिकार होता है, बोलो शंकर भगवान। यज्ञ का बचा हुआ जो सामान है उसमें शिव का अधिकार होता है, जाओ जाओ उससे कह दो कि हमारा अधिकार नहीं तो शिव का है, आप ले जाओ, शिव अपने रूप में तो आए नहीं, तो वो तो काले भोजन दूसरे रूप में थे। नाभाग गए, उन्होंने जाकर कहा बोले पिताजी का निर्णय है शास्त्र के आधार पर कि यज्ञ का बचा हुआ सामान भगवान शंकर का होता है, चाहे शंकर ले जाए आप ले जाओ, मैं खाली वापस चला जाऊं। इतना कहने की देर वही काले रंग का जो पुरुष था ना साक्षात शंकर बन के प्रकट हो गया। उसने कहा ना भा तुमने पिता की सेवा की धर्म बुद्धि से, तुमने पिता का निर्णय सही ढंग से सुनाया, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं, जाओ धन भी ले जाओ और तुम्हें ब्रह्म का बोध हो जाए, ये आशीर्वाद। अब तुम्हें धन की कमी नहीं रहेगी जिंदगी में कभी तुम्हारा, और साथ में ब्रह्म का बोध हो जाए तुम्हें कि ब्रह्म तत्व क्या है, ये हमारा आशीर्वाद। धन भी मिला और ब्रह्म तत्व का प्रबोध भी हुआ, मूल तत्व क्या है
अभिप्राय कहने का ये कि धर्म पूर्वक अगर हम जीवन बिताएं, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कर्म करें, तो हमारी रोटी भी अमृत है, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और फिर हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। भजन करते हुए भी प्राणी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जैसे जनक रघु दिलीप आज प्रहलाद आदि को प्राप्त हुए, कर्म करते हुए प्राणी अंतःकरण की शुद्धि से परंपरा ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। कर्म अपने आप में दूषित नहीं, कर्म में जो फला सकती है, फलेच्छा है, वही बंधन का है। कर्म फल की इच्छा न हो, ममता और आसक्ति न हो, तब भी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जो लोग हिमालय की गुफाओं में जाकर बैठ गए उनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। जो व्यवहारिक जगत में रहते हैं वे ज्ञानी हो जाने के बाद, कर्म योगी हो जाने के बाद भी कर्म करते रहे, इसलिए कि बड़े लोग जैसा कर्म करते हैं छोटे उसका अनुसरण किया करते हैं और उसी का प्रमाण भी देते हैं। हमारे पीर पैगंबर ने ऐसा किया, हमारे गुरु ने ऐसा किया। भाई 21 श्लोकों भगवान का, यद यदा चरत श्रेष्ठ तत् तदेवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनु वर्तते। बड़े लोग जैसा कार्य करते हैं छोटे उसी का अनुसरण करते हैं, और उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास करें तो वो कहेंगे कि हमारे गुरु भी ऐसा करते थे, हमारे भगवान भी ऐसा करते थे। एतावता कर्म को प्रधान, आचरण को प्रधान बनाकर फल की इच्छा न होने पर भी वैसा करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है। आपके पास जो वस्तु नहीं है
उसे पाने के लिए ही तो किया जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अप्राप्त हो। तीन लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अप्राप्त हो। हाँ, मुझे प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिशलोकेषु किंचन। मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है और मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो मेरे लिए कर्तव्य क्या है। इसके बाद भी मैं कर्म करता हूं, वर्त एवच कर्मणि, मैं कर्म करता हूं। और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आने वाली पीढ़ी भी मेरे ही मत का अनुसरण करेगी और वो कर्म का त्याग करेगी। न में यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंत्रता हम मम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उत्सी देही उर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदा। यदि हमने कर्म नहीं किया तो ये सारा लोक नष्ट हो जाएगा, लोक नष्ट हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी मेरे मत का अनुसरण करेगी और उससे ये वृश्चिक सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जहां कर्म गड़बड़ाते हैं वहां वर्ण शंकरता आ जाती है। शंकरस्य च कर्ता श्याम पहन्या मिमा प्रजा। एक जाति वर्ण संकर होती है, दूसरा कर्म वर्ण संकर होता है। क्या एक ही जाति के मिल जाने से वर्ण शंकरता है और कर्म में भी शंकरता है। किसी का कर्म